मुकेश ये भी करता है, बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि एट द एंड ऑफ दिस ऑल 2 years लेटर दिस इज गोइंग टू बी अ नेटफ्लिक्स और अ जियो सिनेमा स्पेशल ओ शो, आराम से आराम से रियलिटी शो, यार। लाइक आकाश के आनंद मैं अंबानी मुझे की एक सच्ची शादी बात या बताऊं, मैं समथिंग। ऑनेस्टली एक सच्ची बात बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी जो आदमी इंडिया का मतलब सबसे रिच आदमी है, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे चैलेंजेस है देश में, मैं ऐसा मान के चलता हूँ बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ सोशलिस्ट, बट कभी कभी मैं सोचता कि मुकेश अकेला बैठ के सोचता हूँ कि कहाँ फंस गया यार, किससे शादी कर ली, एक तो ये बीवी और एक वो नौटंकी प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में मैं फंसा हुआ हूँ। मुकेश सीक्रेटली चाहता है कि मनमोहन सिंह जैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाए ऑनेस्टली, क्योंकि क्या करवाए मतलब सीरियसली, वो वीडियो देख के ना मुझे उस पर दया आ गई, क्योंकि मुकेश अंबानी को वो एक तो रविंद्र जैन जैसा लग रहा है मुकेश अंबानी उस वीडियो में। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। देखा है क्या ट्रेलर तूने सावरकर का निशांत? नहीं, मैं तुम्हारी तूने भी वीडियो, नहीं देखा, मैंने तूने भी भी नहीं नहीं देखा देखा है। मैं मैं ये ऐसा इकोसिस्टम के ट्रेलर्स देखना बंद कर दिया, मैं मैं नहीं देखता स्पॉइलर अलर्ट करूं क्या? स्पॉइलर हूँ इतना पता है कि ये तुम रणदीप दोनों रन एक्सचेंज हो गए हो क्या? ये आदित्य ने इतने यार पहले अभी कभी ऐसा हो देख गया लिया, यार। ये नहीं क्या नहीं हो गया? नहीं एक्चुअली होता क्या है ना कि कुछ अभी ऐसा आता है तो कोई टैग कर देता है, तुम लोग को भी टैग करता है, पर शायद तुम लोग देखते होता नहीं है, हो। लेकिन मैं नहीं हाँ देखता कोई हाँ ट्विटर प्रेजेंस भी कम हो गया है शायद उस रीजन से। हाँ, बस एक सीन बताऊंगा मैं, बस एक, और उसके मैं वो ट्वीट भी कर ये चुका हूँ, शायद रणदीप तुमने वो हुड्डा देख वाला लिया ही होगा। है ना, मतलब हाँ इट्स नॉट हाँ एन द डायरेक्टेड बाय, थिंग विच सुनना वाज सुनना डायरेक्टेड बाय, सुना जो ट्रेलर में एक टीज सीन किया था है, उसने ट्रेलर दो में एक साल सीन पहले। है, बात सुन, ट्रेलर में एक सीन है, सावरकर ऐसे बैठे हुए हैं टोपी चश्मा पहन के, और से कैमरा उनके मुंह पे है तो तुमको समझ में नहीं आएगा बात कैसे कर रहे हैं, पर ऐसे बोलते हैं टोपी चश्मा छोड़ा मैंने, सूट बूट डाला 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 बोलते नसीब देख कि साला जर्म बिंगो में जर्मनी एक टिक लगा लेना भाई सुनने वालों मैं जर्मनी और जापान के साथ मिलकर ब्रिटिश रियासत को हरा दो, और फिर कैमरा उस पर मुड़ता देखते सुभाष चंद्र बोस है जैसे बच्चे की तरह हाँ करता है, मतलब समझ रहे हो जो मतलब अपने जो मोदी जी के लिए मैं सोचा था ना वो आजादी के बारे में सावरकर के साथ इसका एक वियर्ड किया। कनेक्ट मैं करता हूँ, मैं वो ये ऐसा तो नहीं है टाइम कि हुडा ने सुन लिया है अपना एपिसोड और उसमें बस उसने रिप्लेस कर दिया। फॉर सिने मैजिक इट्स टाइम फॉर सिने मैजिक, सो अपन देखेंगे दो आज हेलो फ्रेंड्स दो दो देखना पड़ेगा, एक है सावरकर और दूसरा बस्तर, राइम भी कर रहा है गाइस, सावरकर बस्तर। ओ माय हेलो गॉड, फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रवीना करिश्मा रवीना कौन करिश्मा कौन पता नहीं चलता, इसमें सब सेम है, पर मैं ना एक और चीज सावरकर बोलना चाहूंगा, ट्रेलर। मराठी देखना है क्या तुम लोग को फॉर बेटर नहीं नहीं इम्पैक्ट? हिंदी, नहीं बट भाई तुमने हैव नहीं भाई, यू वो गाइस, पंजाबी आदमी ने बनाई है, वो हिंदी में ही। नहीं, महेश मांजरेकर कुछ बनाने वाला था ना सावरकर का, कि वो कुछ और है, गोडसे था। ओके, वो एम आई गोड मिसिंग अ से था। पॉइंट? अरे वो तो वो निकला, वो थोड़ा सा लेफ्ट से जाके नहीं राइट नहीं में महेश आया। मांजरेकर तो मनसे का है ना? महेश अरे मांजरेकर नहीं, सबका उसने है गोडसे यार। का कुछ बनाया था, उसने गोडसे पे कुछ बनाया था जो आया भी था, जो कोई भाई मूवी आई भी थी। मैं ये कह रहा एंड हूँ दैट कि हैपेंड टू बी भाई नॉट तुम लोगों ने अंबेडकर को नहीं देखा सावरकर मूवी में, जो अंबेडकर है है? सावरकर मूवी में, हाँ किसी वो को नहीं फोटो देखा है अब देखा, तक मैंने फोटो देखी भाई है मैंने, उन्होंने वो इतना अच्छा बुरा है। किया है ना, मतलब लाइक आई जस्ट हैव टू से दैट दे आर फकिंग लाइक रेसिस्ट, आई डोंट नो, नॉट रेसिस्ट, आई डोंट नो व्हाट दे लाइक बेसिकली टेक लाइक स्टीरियोटाइप्स एंड लाइक जस्ट यू नो टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। एनीवे तू लगा, तू सावरकर लगा, लगा दे आज तू सावरकर बस्तर। अच्छा सावरकर आई साइबर का ट्रेलर का, और मैं एक चीज कहूंगा कि अगर तुमने ये 3 मिनट का ट्रेलर देख लिया है ना तुमको मूवी देखने की भाई, कोई जरूरत तीन नहीं, पूरी मूवी कवर मिनट है, क्यों क्योंकि ट्रेलर, 3 मिनट पूरी 20 सेकंड मूवी का पूरी भाई इट्स बेसिकली क्या है मूवी, यार ये इट्स बेसिकली द यार? मूवी जो समराइज्ड इन थ्री तुम लोग जो मिनट्स बोल रहे हो ना, कि उनको भी पता है कि पर्पस क्या है मूवी का, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इज नॉट द पॉइंट, प्रोपगेंडा पॉइंट अरे है। एक 3 मिनट का कौन अच्छा ट्रेलर बनाता है, ट्रेलर मैं तो काटो तो पागल क्या हूँ। बन सकता है? व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैं बस, बता, तुम लोगों को दैट्स द पता पॉइंट, है ब्लैक फ्राइडे का जो ट्रेलर था वो सिर्फ 15 सेकंड का था। और वही वैसी होना चाहिए, तूने अभी इसका ट्रेलर देखा? क्योंकि ब्लैक यानी फ्राइडे का पॉइंट इज तू मूवी देखे जाके, इनका अभी तक पॉइंट है तो कि आई नो, प्रोपगेंडा फीड कर देख देख दो। मूवी कैसी होगी मेरे को नहीं पता, पर एम नाइट शयमलन की बेटी ने मूवी बनाई है वॉचर्स, तू उसका ट्रेलर देख, इट इज सच अ देखूंगा वेल मेड ट्रेलर बिकॉज इट टेल्स यू इनफ टू मल्लू कीप यू प्रोपगेंडा। लाइक,
इट्स लाइक बेसिक एम नाइट शैमलन टाइप इसमें तो मूवी। पूरी मूवी दिखा दी होगी ना हाँ बेसिकली। इसमें तू देखना पूरी मूवी पूरी, तू चला चला ये चला। अहिंसा से ही मिली है, बाय द वे ओनिडा का डेविल जो ये था वो गांधी है वो इसमें। कहानी नया वाला, पुराना तो मर गया। ओजी नेहरू है क्या? पीछे पीछे वो एक्सेंट, वो जो अपन ने मोदी की बायोपिक में नेहरू का एक्सेंट किया है ना, वो आ गया यहाँ पे। तू देख सुन अभी, ये वो कहानी नहीं है। You met her once, so what do you say? What a marvelous day here today at law. You met him once, what did you say? Yes, what a wonderful shot. Such a balmy morning. It's a sunny day out there. He's the most dangerous man I've ever met. Oh, he's the most dangerous man I've ever met. It's like Tony Rekko bulaya. Oh, he's a douche, douche, douche. A lot of grass on the pitch. उसने कन्विंस कर दिया उनको कि दे आर इन द रॉन्ग, मतलब उसने एक बार मुसलमान एक होकर लड़े थे क्योंकि देश धर्म से ऊपर होता है। अच्छा भगत सिंह भी मिला गया इनसे, बनाया था हम भाई भगत सिंह और अम्बेडकर साहब जो उन्होंने किया है ना, बहुत बुरा लगा मुझे। तू सोच ना, तू भगत सिंह होके अभी अगर जिंदा होता, ये ट्रेलर देख रहा होता, रणदीप हुड्डा जिंदा होता क्या भाई? भगत सिंह जब 2 साल का था तो ये जेल चला गया सावरकर, एंड बाय द टाइम ही वाज आउट भगत सिंह वाज डेड। सो हाउ एग्जैक्टली विल दे कनेक्ट आई डोंट नो, बट दे हैव शोन भगत सिंह इन द ट्रेलर। सागर के उस पार जाने से अशुभ हो सकता है। अरे ये सागर तो भारत माता के चरण धोता है, पूरी दुनिया घुमा के मुझे फिर से तुम्हारे पास ले आएगा। सावरकर जी, आई सेल्फ सोनाली क्विकली, माई सेल्फ वेंकी गांधी। संघर्ष हो सकता है पर समाधान नहीं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों को ऐसे। सावरकर को ये मूवी ट्रेलर से ऐसे फील आ रहा है कि गोडसे को भेजने की तैयारी यहीं से शुरू हो गई थी। माई सेल्फ एम के गांधी, तू तू हैरी पॉटर लुक नहीं लग रहा इसका? ये तो सावरकर का हैरी पॉटर। सावरकर इज बेसिकली, अगर मैं मतलब 1 महीने के लिए थोड़ा चश्मा और बाल, मैं अगर 1 महीने के लिए कार्ब रिस्ट्रिक्टेड डाइट रखू तो आई कैन बी सावरकर। भेजनी होगी और अंग्रेजी फौज में अपने सिख भाइयों को चिट्ठी लिखनी होगी कि वो बगावत के लिए तैयार रहे। प्रॉब्लम इज 112 तक हम इनको मार के भगा देंगे। This Randeep Hooda, decide कर लिया है 1912 तक भगा देंगे। If you look at this Randeep Hooda guy as Savarkar, you know that this character knows about iPhone, and that's why it's not realistic. Like his face tells you that he knows about iPhone. It just does not, you know, compute for me. But anyway, उन्होंने क्या किया है पता है इसमें? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर पे सेट जो भी मूवीज देखेगा ना, एक टिपिकल लुक एंड फील होता है वो क्लाउडी क्लाउडी क्लाउडी। और दूसरा एक चीज भी होता है, जब कोई भी अगर नाजिस के खिलाफ बगावत कर रहा है तो वो जो सेटअप दिखाता है ना, एक क्लोज्ड रूम डिंजी सा जगह जहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। सुन सुन सुन, द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ प्रोटैगनिस्ट इज द नाजी। लिटरली वो लाइक नाजी सैल्यूट कर लिया उसने, कर लिया। अभी तो देख, अभी वो बॉस को बताएगा या इनको मारते मारते मर जाएंगे। पहली बार किसी को 2 उम्र कैद की सजा दी है। ऊपर वाले ने 1 जिंदगी दी थी, जज साहब ने 2 दे दी। आज हम अंग्रेजों के पक्ष में लड़ेंगे तो कल वो भी हमारी मदद करेंगे। अभी इस्लामो वो भी अभी आएगा, जर्मनी और जापान के आधुनिक हथियारों के साथ। बोस बोस तो मतलब तू देख रहा है ना अभी, देख बहुत सारे एग्री कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है सब वड़ा पाव खा के आए हैं 2-3 वैसे वो बॉस खाते रहते हैं। मैं इस महान किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके नई पीढ़ी तक पहुंचा। अच्छा कौन सा बंच ऑफ थॉट्स? क्या सावरकर का फिफ्थ ईपॉक, जिसमें जिसमें लिटरली लिटरली लाइक सावरकर ने कहा है कि यू शुड मोलेस्ट वेमेन, मुस्लिम वेमेन, दैट
literally he said that. But anyway. वो भगत सिंह था पर दो खाना इसको ये कब हुआ था और तो कहां हो रहा है बेसिकली ब्रिटिश रूल में हाँ, जो जेलर है वो उसको कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोल तब खाना देंगे मतलब खाना देंगे डबल इस्लामो क्रिश्चियन कम्युनिज्म नहीं बट फैशिस्ट बट कैसे मतलब ये कैसे वो पब्लिक ये इतना ये बेवकूफ वो बन गया वर्ल्ड है ये वो वर्ल्ड है जहाँ पे ये वो वर्ल्ड है जहाँ पे देखो गाइस उसको सुभाष चंद्र अभी तक बोस ये को एस्टेब्लिश नहीं हुआ क्या तेरे दिमाग में कि किस चूतिया देश कौम से तुम दंगे ब्रिटिश कर रहे हो ब्रिटिश इनको इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा था हाँ मतलब हाँ तू सुन सुन उसने बोस को बोला कि तुम लड़ो इनसे और बोस ने बोला इंडियन नेशनल आर्मी और बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की 4 बटालियन के नाम रखे गांधी हाँ नेहरू नेहरू मौलाना आजाद आजाद ठीक है हाँ लेकिन सावरकर ने बोला है चलो हाँ चलिए ये आजाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सल्तनत चाहते हैं जिन्ना है अंग्रेजों के जाने के बाद हाँ हाँ वो जिन्ना है भारत को वो जिन्ना सल्तनत बनाने का प्रयास किया गया तो हम मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे अच्छा वो भी टैकल कर दिया मराठी म्यूजिक फॉर द इफेक्ट गूज बम्प्स गणपति म्यूजिक आ गया रे ट्रेनिंग लो मैं समय बताएगा कि उस बंदूक की नली किस ओर घुमाने एक बहुत दिमाग का और कहने बहुत कर इन्होंने दिमाग का काम ये किया अच्छा सल्तनत वाली बात नेहरू बोल रहा है कंट्रोवर्शियल लीडर निकल सल्तनत वाली बात नेहरू ने बोली बाय द और तूने कहा हिंदू महासभा जो है ना उन्होंने वो हाँ एक एक पॉइंट में सावरकर स्पीकिंग एंड पीछे बैनर हिंदू महासभा का लिखा है लेकिन लगाया लेकिन उन्होंने बंगाली में लिख दिया है जाते कि आधी पब्लिक को समझ ही नहीं आए कि वो हिंदू महासभा है नहीं पब्लिक को समझ में आ भी जाए तो तेरे को क्या फर्क पड़ता है पीपल विल फील प्राउड जिन्ना को तो देख लेगा नहीं जिन्ना दिलीप ताहिल की तरह एक लग रहा सेकंड था एक सेकंड मैं अरे दिलीप मैं तो ताहिल भी सेम इसमें ही क्या यार है सेम अभी ही तक है रे जितने सब भी कैरेक्टर दिखाए हैं हाँ मतलब आई वुड वांट टू बी एज कूल एज जिन्ना वाशो हाँ अभी तो देखते रहे तो सुन अमेठी ना को देख अभी दिलीप ताहिल एक्चुअली डबल रोल प्ले कर सकता है जिन्ना और नेहरू दोनों दिलीप ताहिल को उन्होंने का उन्होंने सेल का डिवीजन किया और दो बनाया वो दोनों इसमें तेरे को नेहरू और जिन्ना दे नेहरू जिन्ना के चेहरे में क्या डिफरेंस था इसमें तू मुझे कुछ बता नहीं था गुस्सा हाँ सुभाष चंद्र बोस जिसपे मर मिटे ये देख क्या बोले तू अंबेडकर को देखा मदनलाल तूने अंबेडकर को देखा भगत सिंह भी है यार मूवी में ब्लैक फेस भगत सिंह भगत सिंह ने बोला होगा एक सीन में अखंड भारत के लिए भगत सिंह ने बोला होगा कि शाखा से ही सीखा है मैंने सब कुछ हाँ वो तो आगे 4 साल हिंद बाद से प्यार बनेगी करने वाले हम सब हिंदू हैं अखंड भारत की अखंड भारत की अखंड भारत की भारत माता नहीं अखंड भारत आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई लास्ट में समझ गया तू हाँ ये आपको पास इलेक्शन वाला भी हो गया ना अभी देख इस इलेक्शन के लिए काम हो गया एक अच्छा व्हाट्सएप फॉरवर्ड बन गया फिर तुम देख लो ना Z5 पे थिएटर तू ये वेटर की समझ जाने की रहा जरूरत तू ये है समझ रहा है कि इन्होंने बाय द वे लाइक छोड़ दिया ना व्हाट्सएप के लिए बेस्ट है क्यों नहीं हुई हाँ किसी हाँ सोचो क्यों नहीं हुई क्यों नहीं हुई और ऐसा नहीं कि तू पूरा मूवी देखेगा तुझे जवाब मिलेगा उस सवाल का हाँ जवाब चाहिए ही नहीं एम्पायर पॉडकास्ट सुन रहा था तो पिछला 2 एपिसोड इस पे है एंशियंट इंडिया बेसिकली हाँ मुगल एक फूड तब बहुत अच्छा लगा वो नहीं एपिसोड मुगल एंशियंट फूड के इंडिया यानी बाद कि अभी नहीं नहीं 2014 से नहीं 24 नहीं के नहीं बीच मुगल फूड के बाद मुगल बुद्धा फूड पे वाला एपिसोड एपिसोड बहुत अच्छा लगा नहीं मुझे हाँ वैसे तो उसका अगला था बुद्धा पे और अभी अशोक पे था सम्राट अशोक बट उसमें एक माइंड ब्लोइंग ऐसा मतलब होता है ना हिस्ट्री में समटाइम्स वी कैनॉट प्लेस पीपल टुगेदर राइट तो उसने एक एक ये बताया कि कि मार्टिन मतलब लूथर किंग और एन फ्रैंक सेम एज के हैं नहीं हाँ वैसा रहना ये कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब कॉलेज में था तब अलेक्जेंडर तक्षशिला में था बेसिकली मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में था तब अलेक्जेंडर विथ हिज फोर्सेस वाज इन तक्षशिला एट दैट टाइम तो दैट्स वेयर ओके चंद्रगुप्त मौर्य जॉइंस द मैसिडोनियन आर्मी बेसिकली तो एंड दिस इज समथिंग विच काइंड ऑफ लाइक ब्लोज योर माइंड राइट या आई डिड नॉट नो दिस तो ये तो ऐसे ही सावरकर और बोस का भी उसके दिमाग में डायरेक्टर के दिमाग में ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट टाइप का होगा तो भाई सबसे बड़ी चीज है बोलता है इतना चंद्रगुप्त हुड्डा इतना ने इंडायरेक्ट किया है रणदीप हुड्डा हुड्डा ने ने डायरेक्ट इंडायरेक्ट किया किया है है हाँ ओ अभी कैसे ट्रेलर देखा तुमने अब मैंने अब ट्रेलर नहीं देखा ये सब नहीं देखा मैंने फैक्ट पर से क्या भाई मतलब मजे की बात यह है तो कि ये जो बोलता बनी है है फोर्स ये मैं खत्म कर लेता हूँ ये वाला इसका एम्पायर वाला बोलता है मौर्य चंद्रगुप्त इतना इंस्पायर्ड था
अलेक्जेंडर फैन बॉय था बेसिकली, तो उसके पीछे पीछे चला गया इट सीम्स. ही वॉज बेसिकली ऑन एग्जाइल फ्रॉम बिहार, तो उसने बोला इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, इंटरनेशनल बनते हैं कुछ दिन के लिए. अबे और तब तो अखंड था। मैं उसका आईएमडीबी पे पहुंच गया हूँ। ये रिलीज कब हो रही है? हो रही होगी यार कभी। नहीं तुम नहीं लोग ने नहीं उन्होंने नहीं बिकॉज बिकॉज आईएमडीबी पे ऑलरेडी 270 वोट है और 8.7 रेटिंग भी है। जैसे अभी ये था, आदित्य ने बोला था कि अटल जो मूवी है वो ट्वेंटी सुपरहिट सेकेंड होगी, मार्च ठीक है। अच्छा ये निशांत की आवाज तेरे लिए भी वो हो रही है क्या कि सिर्फ मेरे लिए हो रही है? फट रुक रुक के आ रहा है ना. हाँ यार ऐसा हाँ क्यों हो रहा है? एक मिनट रुक जाओ, हाँ आदित्य लेट तेरे मी से मेरे को है एक, तू बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करी तूने कि अटल जो है ये होगी वो होगी सुपरहिट होगी। कोई फ्लॉप आया हुआ घंटा दे? और कौन आया, तूने सुना कुछ अटल के बारे में? ओ, हाँ, ये देखा ना बैनर्जी ने, देखा ना बाय द वे एक रोमांटिक सॉन्ग भी है अभी कैसे, अभी क्या है, अभी अटल सुनाओ फिर का बताओ एक किसने रोमांटिक सॉन्ग अरे अमित सुनाई नहीं हाँ है। सुनाई दे रहा, तूने सुनाई दे अटल रहा। देखा है क्या? नहीं, ट्रेलर में आया था, गाना रिलीज हुआ। अटल नहीं, अभी तो नहीं नहीं देख सकते मैं बट इज अटल। इट बेटर नाउ, इज इट, इज माय हाँ इट वॉइस इज बेटर बेटर नाउ? ना, इट इज बेटर ना। अच्छा पॉडकास्ट पे एक चीज मैं बोल देता हूँ, भूल जाऊँ उससे पहले, जो अपने लिसनर्स पॉडकास्ट सुनते हैं उनके लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा। जैसे वेस्ट विंग है उसका लाइक अपसाइड डाउन वर्ल्ड है वीप, वैसे जो टेड लासो है उसका एक अपसाइड डाउन वर्ल्ड है। वो पॉडकास्ट में द ऑफेंसिव करके एक पॉडकास्ट है विच इज अबाउट मैनेजिंग अ फुटबॉल क्लब, बट इट इज लाइक वीप मैनेजिंग अ फुटबॉल क्लब। सो इट्स रियली फन इफ यू गाइज वॉन्ट टू लिसन टू इट। इट्स कॉल्ड मैं दी सोच रहा था कि ऑफेंसिव। उसका अपसाइड डाउन वर्ल्ड है मुंबई इंडियंस का डॉक्यूमेंट्री. एक्चुअली आई थॉट हाँ क्या ओके हाँ वीप में आई रियली लाइक, मतलब हाँ वो कॉमेडी है बट द एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ डे टू डे जो दिखाया है वो काफी रियल है। हाँ तो सेम सेम सेम, इट्स लाइक टेड लासो इज टू लाइक ऑप्टिमिस्टिक एंड हाँ आइडियलिस्टिक, वही और वही उसमें हाँ उसमें आपस में कुछ वो नहीं होता, राइट? इसमें मतलब सब एक दूसरे को फक ऑफ मैं जैसा होता स्लाइट होगा। टेंजेंट में जाऊंगा, अभी मेरा 4 दिन पहले माइंड इक्वल टू ब्लोन हो गया था टेड लासो का एक वो देख के। अभी वो वही हैना वेडिंगम का वो वायरल हो गया था ना, उसकी डॉटर का उसने वो पर्स वर्स डिजाइन किया, तो मैंने फिर सोच पूरा टेड लासो देख डाला है पूरा, एंड नाउ आई रियलाइज कि यार ये बंदी देखी है कहीं और भी। एंड देन व्हेन आई डग इनटू इट तो ये भाई वो है यार गेम ऑफ थ्रोन्स में वो सेप्टा उनेला, वो जो बेसिकली शेम शेम, वो हाँ मुझे हाँ 4 दिन पहले पता चला। ऐसा हो जाता है। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स को ना मैंने ऐसे देखा है कि मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि मैंने बहुत वैसे नहीं 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 वो देखा ठीक जैसे है, देखना मैं चाहिए। मतलब एक्चुअली ये वाला जो कैरेक्टर जब जिस सीजन में आता था तब वो लिटरली पीक पे था, मतलब टोटली बुक बेस्ड और तो एनीवे हाँ वो चेंज हो चेंजिंग गया गार्ड्स लाइक बैक, नंबर टू ऑन बिंगो। हाँ इज मेरे को पूरा फुल पता क्या लग रहा है, कैसे ना सरप्राइज हो रहा है, पूरा न्यूज चैनल से दिखा रहा है कि शाहरुख भी आया, सलमान भी आया, ये भी आया, वो भी आया, और अचानक से ना ऐसे एक वीडियो रिलीज होगा कैसे अंबान मुकेश भाई और नीतब भाभी ऐसे हैं सामने स्टेज में, सुनो जी दुल्हन अब इनसे मिलो यार जी, उतना तो ये कर ही रहे लो ये हमारे जी, प्यारे मोदी जी, और फिर पीछे से मैं बट वो शादी में तो जाएंगे ना यार, कैसा देश है कि मतलब शादी भी नहीं है ये, जुलाई अपेरेंटली में है दिस इज शादी, तो जुलाई अभी में क्यों शादी। किया, वो अभी क्यों छोड़ वो किया, छोड़ चल ठीक है वो छोड़ उझोल है ना, बड़ा। तेरे पास नहीं नहीं वो ठीक है, देख वो तो पीआर हो रहा है ना, वो उसके जू का वो जो भी वो कर रहा है वो तो वो छोड़ दे। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई किसी के पास है पैसा उसको प्री वेडिंग 4 साल पहले करना है वो कर रहा है दैट्स फाइन, बट द फैक्ट कि मतलब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इनको मतलब लोग बोलते हैं कि ये इंडिया में गरीबी है ये शादी देखो, भाई मतलब वो छोड़, ये जो हाँ ये कोई शादी खुश हो रहा है मतलब उसको देख के। हाँ हाँ भाई मेरा मतलब सवाल एज ये ए है आई एम कि प्राउड और प्राउड टू बी आई एम प्राउड, हाँ, एंड मतलब जैसे तुम्हें साला बुलाया भी नहीं, मतलब बुलाना छोड़ दो तुम्हें मतलब कुछ भी नहीं तुमको मतलब गेट के पास भी नहीं आने देंगे, हाँ नहीं वो गेट भटकने के भी नहीं पेरिमीटर में देंगे एक दीवार लगाया होगा जहाँ गोली मार एग्जैक्टली। देंगे। और दूसरा क्या था वो कि हाँ इनका बिना बिना के बिना बिना नीचे देखा है तो बिना पंचिंग डाउन के तो इनका मतलब बिना ही पाकिस्तान आ नहीं गया रह होगा। सकते। वो एमरल्ड वाली फोटो आई ना वो ग्रीन एमरल्ड जो वो पहन के वो जो हाँ खड़ी है वो ये तो इंस्टा पाकिस्तान वाला के इकोनॉमी से जीडीपी ज्यादा पे में है। हाँ बस हाँ बस बस और अभी मतलब और जब ना कोई फेमस पाकिस्तानी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली शेगिल है ना, शेगिल ने कोई फोटो डाली इंस्टाग्राम पे, हाँ तो उसके नीचे मैंने कमेंट देखने चुके थे कि करण सिंह ऑफकोर्स आज पार्टीशन का दुख हो रहा है, मैंने बोला हाँ, जैसे यही तो रीजन है बस पार्टीशन हो गया, नहीं हाँ तो वो तो हमारे नहीं साथ तो मतलब बस बैठी तो होती हम, हमारी गोदी वो में जो है ना प्लेकार्ड गाय ने ट्वीट किया, आई मस्ट एडमिट दिस इंटायर सेलिब्रेशन फेल्ट पर्सनल एज इफ आई वॉज पार्ट ऑफ इट लिविंग इट एंड समिंग दिस फेस्टिविटी अप विद अनंत राधिका
हस्ताक्षर इज जस्ट अ चेरी ऑन द केक. व्हाट द फक इज अनंत राधिकास हस्ताक्षर? आई थिंक ये हस्ताक्षर रोका कुछ उन लोगों ने, आजकल उन लोगों ने, वो होता मतलब ये एंगेजमेंट था क्या? अभी जब आजकल जो शादियां करते हैं ना लोग, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट. लोग एक बोलूं मैं, हाँ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ और वो रोका और सब कुछ सही कह रहे हो तुम लोग, बट स्पेसिफिकली ये जो चीज है, आजकल लोग जो लोग शादी कर रहे हैं वो हैशटैग बनाते हैं अपनी शादी का एक, ओके. ठीक है, कि लोगों को हमारे शादी के, आई गेस शादी ही है जो लोगों, एक ही चीज है सबकी लाइफ में शादी, जो उनको ऐसा फील, हीरो हीरोइन फील कराता है, उसके अलावा लोगों की भाई लाइफ वो में तो कुछ है मतलब नहीं, मैं मतलब सीरियसली ठीक यार, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने प्री वेडिंग शूट करते देखा है ना, मतलब साले 4 दिन पहले तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला था तब मिले हो तुम जाके उससे, मतलब ऐसे बिहेव अरे करता था वो तो स्पेशल, ठीक मतलब है. मेरा तुझे एक देखना सवाल, तो ही मेरा बस जा रहा इतना था सवाल है ना. कि यार मतलब आपको सेल्फ क्रिंज नहीं होता है क्या? मुझे कभी कभी ऐसा नहीं लगता होता है. वो तो, नहीं होता सेल्फ भाई, क्रिंज नहीं उस दैट पूरे इज क्रिंज नहीं देश में किसी होता. को नहीं होता है, पता है. सही बात है. मतलब मतलब मैं एक 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 कोई मेरा रिलेटिव है एक्चुअली, अब मैं क्या बोलूं, लेकिन भाई उन्होंने प्री वेडिंग वीडियो बनाया. एक तो लाइफ में एक रिलेशनशिप रहा है तुम्हारा, तुम्हारी से शादी हो रही है, विच इज फाइन ग्रेट, बट सॉन्ग क्या चूज किया तुमने प्री वेडिंग वीडियो के लिए? फिर ले आया, कहां से फिर ले आया, कहां से लाया? भाई देख वो ये तो है ना, मतलब ये पूरे, ये तो मैंने इतनी शादियों और उसमें देख लिया ना भाई, तू खुद मतलब फिर ले आया दिन तो फिर भी थोड़ा सा, मतलब आई वुड से कि सटल. रीसेंट, हाँ सटल वो है भाई. तुम इफ एनीबॉडी हु हैज वॉच्ड द मूवी, व्हाई वुड यू प्ले साजन जी गराए एट योर वेडिंग, व्हाई हैव यू नॉट सीन द मूवी? मतलब दूल्हे की एंट्री पे साजन जी गराए बज रहा यार है तो पर क्या मैं एक बाजू चीज, पर, मतलब तू राहुल कहाँ है इसमें ये बताओ. बात ये है कि यार अब ये बहुत ही इसी टेंजेंट पे भाई, लोग अपने लाइक, आप छत्तीसगढ़ में रहते हो ठीक है, भाई आप अपने लिसनर फिर भी हैं नहीं, छत्तीसगढ़ रियल केस बता रहा हूँ, यूज केस असली है के. मेरा, ओके ओके. और आप जाके ये उत्तराखंड वगैरह जा रहे हो ट्रिप लेके, और क्यों? क्योंकि वहां प्री वेडिंग वीडियो शूट कर. मैंने बोला भाई अपने घर के पीछे कर ले यार, कम से कम फिर भी थोड़ी रिस्पेक्ट रहेगी मेरे दिल में. क्या तू क्या कर रहा है यार, क्यों कर रहा है ऐसा? भाई मैंने एक बार, तू बिलीव नहीं करेगा, मैंने एक बार एक कपल की, मतलब आई वाज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ आई हेल्प देम इन दैट, एक छोटा सा ओके. उनका पार्ट था, मतलब वो था कि दे वांटेड टू डू सम वीडियो, तो मतलब जो मेरा फ्रेंड था, लाइक इट वाज अ गुड डिसेंट टर्म रिलेशनशिप, इट वाजंट लाइक अरेंज मैरिज, मतलब वो सब था गिवन ऑल द राइट बैकग्राउंड, बट भाई मेरा मतलब द गाय वाज सो मच क्रिंजिंग सो मच, बट ही हैड टू डू इट unfortunately, and I was helping them and You know, sometimes you have. Anyway, this is like completely off trajectory. Going back to this, आकाश अंबानी. अनंत अंबानी ना? अनंत, हाँ अनंत. हाँ अरे आकाश तो वो हु था, गाड़ी केयर्स, चढ़ा दी थी जिसने. आकाश ने गाड़ी चढ़ाई थी, और भाई उसके आज गाड़ी बाद तेरा भाई भाई हाँ चढ़ाएगा. चढ़ाएगा चढ़ाएगा नहीं चढ़ाएगा. वो क्या बोलते हैं तुम्हारा भाई, और पब्लिक मतलब हद होती है सिंपिंग की. मतलब ये देश जो है ना, ये देश में कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, आज मैं बोल देता हूँ 50 साल वाले अंकल की बात तो स्टाइल सही में, है, बात तो सही क्योंकि है. ना या इस, ये जो ये मुर्दा कौम है, ये एक मुर्दा कौम है जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. इस देश में 80 करोड़ लोग गवर्नेंस सस्टेनेंस पे जी रहे हैं बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. हाँ भाई दे कैन वो वर्क, दे फ्लेक्स वॉन्ट टू है, वर्क. वो फ्लेक्स है कि 80 करोड़ को प्रोवाइड कर रहे हो मोदी जी, वी आर नॉट जस्ट इग्नोरिंग इट, वी आर ट्रीटिंग इट एज अ फ्लेक्स, मतलब इस लेवल तक गिर चुकी है ये कॉम. और यहाँ पे आप एक तो किस तरीके का पैरा सोशल रिलेशनशिप है भाई कर रहे हैं मुकेश? मतलब ही लाइक लिटरली मैंने से लोगों के मतलब वीडियोस और ट्वीट्स देखे कि ही प्रोवाइड्स पीपल अ जॉब. मतलब एक तो ना ये 1980s की रीगनॉमिक्स ना अपने घर पे रख के आओ, ए अनपढ़ गवारों. जामनगर, जामनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया तो उसके लिए लॉजिक द व्हाई नॉट? व्हाई नॉट, नहीं, देख बात ये है इट ना इट इज नॉट कि जस्ट वेडिंग, इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक्टिविटी. क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी भाई? तो सोच केटर मतलब उस हिसाब से तो हर केटर को ऑर्डर देते, केटर आपको वो दे. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पता क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि तुमने कोई स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल तुमने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया जहां पे लेट्स से टेक ऑफिस आ गया. अब उस टेक ऑफिस के आसपास टू सस्टेन दैट टेक ऑफिस देयर विल बी बिजनेसेस दैट विल ग्रो एंड बिजनेसेस दैट विल भाई सस्टेन. ये 10 दिन की शादी में क्या है? तुम इतने लॉजिक की बात कर रहे हो, लोग यहाँ इसीलिए खुश हो जा रहे हैं कि रिहाना जिसने फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में ट्वीट किया था उसको नचा दिया,
अरे तू इससे मुझे खुश दे होते यार, हैं तू लोग। मुझे दे 10 मिलियन डॉलर नहीं यार, तू मुझे दस तू मिलियन नहीं नहीं, मैं एंड तू देख रहा है इसमें एक नॉट ही, मतलब कितने अनअवेयर है लोग कि वो एक एक्नॉलेजमेंट भी है कि कौन किसकी साइड है। मतलब नचा दिया अंबानी जी ने नहीं वो कि तो मतलब उससे शाहरुख आमिर ये भी समहाउ है, इट इज मोदी जी की वो होगी, मतलब रिहाना हो बदला रिहाना, मिल गया, मतलब बदला ले लिया शाहरुख वहां आमिर पे। सलमान जनरल को स्टोर है यहाँ पे है किराना किराना नहीं मजा नहीं आया। तो ये गाना मैंने नहीं शाहरुख बनाया, ये बाबा सहगल का गाना है, तुमको नहीं पता क्या? नहीं अभी तक नहीं पता था मुझे नहीं ये। भाई ये तो नहीं जब पता। ये रियाना वाला जब चल रहा था पार्ट 1, जब वो एंटी नेशनल थी, तब यार बाबा सहगल ने गाना बनाया था। रिहाना के साथ तो इतना इजी है यार, रिहाना इन कुत्तों सामने मत नाचना टाइप का कुछ कर सकते नहीं। वो तो न्यूज वालों ने किया होगा ना, देयर इज अ रीजन कि तुम बाबा सहगल नहीं। पर रिहाना मेरा तो बस है बहाना, इनको है मोदी जी को नचाना, मतलब ऐसा तो टाइप। रिहाना क्या है ये फसाना, पूछता है जमाना। और वो साला वो राहुल कंवर पहुंच गए इंटरव्यू लेने, यार क्या खांसी और क्या हाथी की खिचड़ी खा ले, मतलब कैसे कैन भाई आई लेनू टेस्टेड लोग बोलता हैं, है लेनू ही बोलने वाला कैन आई साला। टेस्टेड, और कैन आई टेस्टेड उसने ऐसे ऐसे सबमिसिव अंदाज में बोला ना मेरे भाई, कि मुझे कैन आई थोड़ी डर होता टेस्ट इट? है कि ये हाँ बहुत कुछ टेस्ट कर सकता है अगर उसको कराना है तो बोलता हूँ और मैं, तू लेवल ऑफ बहुत कुछ टेस्ट स्क्रिप्टिंग करना देख चाहता रहा है है। ये। मतलब मैंने एक 5 या 10 सेकंड का कोई क्लिप देखा होगा विच वाज एक्चुअली शेयर्ड एज अ मीम, बट उसमें यही राहुल कंवल और अनंत अंबानी साथ में चल रहे हैं उसी इंटरव्यू के किसी पार्ट का होगा, जिसमें भाई मतलब क्वेश्चन तो चल है ही टेलर, मतलब राहुल कंवल से तो अनंत अंबानी भी जो टर्म्स यूज कर रहा है तो उसमें वही पीएम की बात हो रही है। तो अभी तू सोच, भारत उसमें भी सब भारत वर्ष मुझे के ये लिए जो बता, मुझे ये प्रधानमंत्री जी बता, ने मुझे ये किया है, बता कि दो लोग हैं, एक है बिजनेसमैन का तो बेटा मतलब और मैं वो सुगेर कहना चाहता जर्नलिस्ट, हूँ इस कॉन्वर्सेशन में अनंत पीएम का अंबानी का ये। भी, हाँ नहीं वो तो है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इन नॉर्मल टॉक आई डोंट थिंक अनंत अंबानी इज रेफरिंग टू इंडिया एज भारत। नहीं, वो ये सब स्क्रिप्टेड, ये हाँ इंटरव्यू वही जब वही मैं हुआ बोल रहा हूँ कि ये द अभी लेवल मैं ऑफ तेरे को बता, स्क्रिप्ट और मतलब ये यहाँ भी तक नहीं है। है, ये भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं कह रहा कि मोदी ने कहा है कैसा करो क्या हो। आजकल का डिस्कशन मैं तेरे को समझा था ऑफिस में कैसा होता है, कि अरुण पुरी बोल रहा राहुल से, हाँ तो राहुल यू हैव टू गो टेक दिस इंटरव्यू, यू हैव टू, अच्छा सुनो वेट थोड़ा पीएम का कुछ बोलना, वो सुनते तो उनको अच्छा लगता है, बस बस इस ये ईगो की पॉलिशिंग हो रही है। और यार तू ये सोच कि ये वैसे ही है ना कि जैसे US में दो इंडियंस कहीं मिल जाए, मोदी जी क्या मस्त काम कर रहे हैं ना, दो इंडियंस मिल रहे हैं चुपके चुपके नहीं मिलते वो। मगर चुपके चुपके तो हमको मिलना पड़ता है ये। अच्छा वो बोल रहा है कि भाई देखो रिहाना को नचा दिया, या ये शाहरुख आमिर सलमान को नचवा दिया। मैंने बोला भाई एक तो वो, अगर तेरे को ऐसा लगता है कि वो अगेंस्ट है मोदी जी के, ठीक है चल मैंने माना कि वो अगेंस्ट है मोदी जी को, देखो उनको नचवा दिया, किसका कटा, उसको पैसे मिले वो अगेंस्ट भी, उसको हाँ पैसे भी मिल गए एग्जैक्टली अंबानी के पैसे उसको मिल गए, तुझे क्या मिला और कटा किसका, तू मुझे ये बता। भाई वो इतना रोज कटता है ना तो इंसान फिर यूज्ड टू, वही वही लाइफ है उनकी। ये मतलब, और मतलब मैं यार पहले यार वो नेगेटिव शादी एटीट्यूड नहीं था मुकेश भाई कि भाई थोड़े सोचता था, तेरे लेकिन ये तो मतलब यार ऐसे हैं ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब तेरे, लेकिन लेकिन लगता है इट्स मुकेश नॉट, भाई को देख के कि ही इज ऑल्सो नॉट इन टू ऑल दिस, आई नो उसको मुकेश सिर्फ भाई इज नॉट पैसा, इन टू दिस, उसको नॉट इन सिर्फ टू पैसा ऑल बनाना दिस। है। मुकेश भाई के साथ, मुकेश एक्चुअली सही आदमी है, सही आदमी नहीं है मतलब सही आदमी नहीं है, बट मतलब गलत उसका गलत सिंगल लोगों माइंडेड है में वो, हाँ पैसा बेसिकली वो बनाने है का है। वो, हाँ उसको बस पैसा बनाने से मतलब है, वो बेचारे पर नीता उसका भी के चक्कर कोई में आया फंस है ना, गया है। कोई आया है, कोई वीडियो आया है ना कुछ बट वही टियर्स आने वाला था, वगैरह। मैं टीयर्स हाँ वाला था, डॉन डॉन, वाला देखा नहीं, हाँ डॉन वाला हाँ नहीं डॉन को पकड़, देखा हाँ अरे भाई, ये तो मैं डाल दूंगा इसमें फुल एपिसोड बर में। जातिया यूनिवर्स अगर सच होता ना, मतलब तो वो ही है। डॉन को हाँ। पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन ऐसे तो वो बोलता है और वहां से नीता भाभी आते चलते, लेकिन इस डॉन को भी झुकना पड़ता है अपने बेटे के लिए, समथिंग लाइक बेटे के लिए नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन, इंग्लिश में, हिंदी में ग्रैंड बोल नहीं भाई। सकती नीता भाभी। हाँ तुम लोग बात कर रहे हो तो मुझे क्रिंज हो रहा है यार, ये असली में कैसे कर और सकते तू तू हो इस मुकेश तुम अंबानी से एक्टिंग करवाई है, तू सोच कैसा तू समझ रहा है ना। और मुकेश ये भी करता है बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि एट द एंड ऑफ दिस ऑल 2 years लेटर दिस इज गोइंग टू बी अ नेटफ्लिक्स और अ जियो सिनेमा स्पेशल ओ शो, आराम से आराम से। रियलिटी शो लाइक यार आकाश के अनंत मैं अंबानी मुझे की एक सच्ची शादी बात या बताऊं, मैं समथिंग। ऑनेस्टली एक सच्ची बात बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी जो आदमी इंडिया का मतलब सबसे रिच आदमी है, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे चैलेंजेस है देश में, मैं ऐसा मान के चलता हूँ बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ सोशलिस्ट, बट कभी कभी मैं सोचता हूँ मुकेश अकेला बैठ के सोचता हूँ कि कहाँ फंस गया यार,
किससे शादी कर ली, एक तो ये बीवी और एक वो नौटंकी प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में मैं फंसा हुआ हूँ। मुकेश सीक्रेटली चाहता है कि मनमोहन सिंह जैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाए ऑनेस्टली, क्योंकि क्या करवाया, मतलब सीरियसली वो वीडियो देख के ना मुझे उस पर दया आ गई, क्योंकि मुकेश अंबानी को वो एक तो रविंद्र जैन जैसा लग रहा है मुकेश अंबानी उस वीडियो में, ठीक है, यू यू गाइस कैन अंडरस्टैंड राइट, रविंद्र जैन जैसा लग रहा है। मुझे तो ऑनेस्टली मुझे लगा कि अरे ये वापस जिंदा कैसे हो गए। सबसे पहले वो वीडियो देखा ना मैंने, हुआ क्या, ट्विटर पे देखा मैंने वीडियो, तो ना पहला सीन क्या है ना, ऐसे रोटेटिंग वो जो चेयर होती है ना बॉस वाली, उस चेयर में ऐसे घूम के ऐसे काला गॉगल पहन के मुकेश भाई ऐसे, हाँ तो वो मैंने तो डॉन का ट्विटर में ना, बताओ हाँ तुम, अभी हाँ डॉन का हाँ वो, हाँ ट्विटर में जो है ना वो तो वीडियो ऑडियो आता नहीं है, सिर्फ वीडियो दिखता है, तो मैंने वीडियो देखा, मतलब मतलब आता है हाँ अगर ऑन कर दो तो। अगर ऑन कर, अरे तुम स्क्रोल जब करो तब नहीं आता ना, तो मतलब फक रविंद्र जैन अभी तो मतलब वो चुर जाएगा कि जब तक मुझे, क्योंकि कनेक्शन भी है ना वो भी कर सकता है ना कि जब तक पूरे ना फेरे साथ तब, तो मुझे लगा ऐसा कुछ कर रहे हैं, फिर मैंने देखा नहीं ये तो अंधा मुकेश अंबानी है, क्योंकि कुछ लोगों को ना काला चश्मा नहीं पहनना चाहिए, और मैं खुद को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ, हमारा रंग ऐसा है कि हम लोग अगर काला चश्मा पहनेंगे तो लोग ब्लाइंड लगते हैं, पॉलिटिकली तो ये चीज जो है इनकरेक्ट पॉडकास्ट हो रहा है मैं इनकरेक्ट खुद को बोल खुद मैं आई इंक्लूड माई सेल्फ इन दिस, मुझे भी नहीं पहनना चाहिए काला चश्मा, भाई, मेरा तो पावर इतना ज्यादा है कि मैं पहन बट भी सकता हूँ भाई उसके बाद। पहन आपको ऑल दैट मन नहीं अपार्ट, आता ऐसा मुकेश लगेगा मुकेश को तो फिर भी छोड़, मतलब ये अनंत अंबानी इन सबको देख के ना मुझे एक चीज भाई, तूने लगता है कि यार अनंतम, यू हैव ऑल द प्रिविलेज इन द वर्ल्ड, ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, प्रोबेबली हैव गॉन टू एन एलीट स्कूल मे बी, बट इतना अनइंस्पायरिंग और लाइक पकाऊ सा कैरेक्टर है ना, मतलब दे आर इतने नॉट इवन देश, इलॉन मुकेश मस्क, मैं भाई वो इतने बोल रहा हूँ। देशभक्त है ना कि उन्होंने अपने बच्चों को आईवी यूनिवर्सिटी, आईवी लीग में भेजा, नहीं लेकिन किस आईवी लीग में भेजा भेजा ओह पता है, ब्राउन यूनिवर्सिटी, बिकॉज माय गॉड यस। हाँ नहीं, बट तूने उसका लैंग्वेज सुना था, ऐसा इतना अंकलों वाला बात है, मतलब ऐसा कौन, मतलब तू 2 मिनट उसके साथ तूने कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाए, वो जिस तरह से जैसे इससे बात कर रहा था ना राहुल राहुल कमल कौन, से, तो यार इतना वो और जय शाह, एक मतलब इन दोनों को देख के तो मुझे लगता है यार इन लोगों ने ना अभी क्या समझ में, इन लोगों ने एक वेडिंग वाउस किए, ये भी ये राधिका मर्चेंट का आइडिया होगी, लेट्स राइट आवर वेडिंग वाउस ऐसा हुआ होगा, तो ना एक तो उसने ना सुजन सरेंडन के किसी मूवी से पूरा का पूरा हाँ पूरा चेपा है कॉपी कर लिया। देखा, हाँ हाँ और हाँ हाँ बेचारा वो बेचारा तो नहीं बोलूंगा अनंत अनंत भाई, अंबानी क्यों बेचारा तू है। मुकेश अंबानी का बेटा है और तू अपना शुरू कैसे कर रहा है कि एवरीबॉडी नोज माई लाइफ हैज नॉट बीन अ बेड ऑफ रोजेस, तो किसकी लाइफ है बेड ऑफ रोजेस, किसकी लाइफ है बेड ऑफ रोजेस, हाँ ही मुझे हैड अदर बताओ इश्यूज ना, तो भाई, लोगों ने बोला है उसपे भाई। दे दो मुझे वो इश्यूज, आई एम सॉरी अगर मुझे मेरे पापा चेंज कर दो, मैं तो आज बोल रहा हाँ हूं मैं ले लूंगा वो इश्यूज, मैं, हाँ अरे कौन नहीं लेगा यार मेरे पापा मुझे खुद दे देंगे कि जा भाई, थोड़ा तो रीड द रूम यार, थोड़ा तो हाँ, तू सीधे बोल के आए, उस रूम में वो रीड करता भी तो उसको यही उसने आंसर चैलेंज किया है मिलता, पता वो है तेरे को, तेरे उसने जिस रूम में चैलेंज किया बोल है, रहा है वहां पे लोग को लगता हाँ भी है कि हिज लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस, ही इज उसको इन दैट उसका रूम। उसका चैलेंज ये है कि ही हैज गेन्ड वेट, ही हैज ऑलवेज हैज हैड वेट, एंड एंड द रीजन इज बिकॉज ही हैज एस्मा एंड ही हैज टू टेक स्टेरॉइड्स, दैट्स व्हाट पीपल से, चलेगा मेरे को चलेगा, अरे यार मतलब अब अपन क्या, एक तो तुम रिच गुज्जू आदमी की तुम सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हो, तो उसमें अनंत अंबानी तो भूल जाओ ना, यार तो इन तेरे पास जनरल ही दुनिया तुम का, अच्छा नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरे को अपर वो ले, सबसे प्रॉब्लम नहीं है, इवन विथ ऑल ऑफ दैट लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस समवन कैन बी मोर इंटरेस्टिंग देन दैट दीज गाइज आर, लाइक जय शाह, फॉरगेट अनंत एंड आकाश अंबानी फॉर अ यार सेकेंड, इन लोगों का एक तो मुझे ये मतलब भी लगता है ना कि कोई रियल रियली रियली कोई इन फ्रेंड होता भी होगा क्या इनका, भाई इस बारे में भी मतलब मुझे कुछ बोलना था, तू ये सोच नहीं कि तो अच्छा तू तुम्हें जय कैसे शाह, नहीं लगता, मेरे को जय मैं शाह भी जय शाह को बोलना। पिन कर, एक सेंटेंस पिन कर जय शाह को, मैं एक चीज बोलना हाँ चाहता हूं, लेट्स डबल क्लिक लेट्स डबल क्लिक ऑन दैट लेटर, लेटर, यार मैं डबल इतना सुन रहा हूँ ना ऑफिस में, ये डबल क्लिक वर्ड बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया, डबल क्लिक इज क्या द न्यू सिनर्जी, नॉनसेंस है तो अब छोड़ा। खैर छोड़, मुझे बहुत सुन समझ रहा, तू नहीं नहीं सुन आ रहा क्या डबल क्लिक, बहुत मेरी, सुन रहा हूं मैं मैं, बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ मैं डबल क्लिक, लेट्स मेरी डबल भी क्लिक नहीं, ऑन दिस मैंने वर्ड, उसमें सुना क्या है उसका नाम भूल गया, सीन एंड अनसीन, हाँ है ना। हाँ तो एक मिनट एक सेकंड में, तू ये नहीं सोच, तेरे को ऐसा नहीं लगता कि अंबानी फैमिली कभी कभी ऐसा बिहेव करती है एज इफ दे हैव सडनली कम इनटू अ लॉट ऑफ मनी, लाइक दे डिड नॉट हैव अ लाइक अ लॉट ऑफ मनी अप अंटिल यस्टरडे एंड टुडे दे सडनली हैव अ लॉट ऑफ, बिकॉज वो देखी ना लाइक दीवाना मस्ताना, हाँ उसमें जॉनी लीवर का एक डायलॉग है ना,
कि वो गोविंदा को देखता है, नहीं सॉरी, वो जूही चावला को जब ताड़ता रहता है वो अनिल कपूर, तो होता है उसकी शक्ल देख वो खानदानी रईस है, अपने अप, अपनी जी अपनी हानि अपने खानदान में 4 दिन पहले पैसे आए हैं वो भी चोरी के तो सही लेकिन बोल रहा लेकिन लाइक बिकॉज दे आर थर्ड जनरेशन, ठीक है है। यस यस यार, मतलब मुझे ये अजीब लगता है. इट्स एज इफ लाइक इट्स लाइक देयर वर्जन ऑफ प्री वेडिंग, कि सबको बुला लिया, क्रिकेटर्स भी आ गए, फिल्म स्टार्स भी आ गए, सब आ गए, ऐसा ब्रेकिंग न्यूज हो भाई गया. मुझे तो ये भी लग रहा है कि फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट के बीच में 10 दिन का गैप भी इसलिए उसी लिए रखा किसी है। किसी ने बोला था, पता है किसी हाँ ने बोला ये. अब मैंने मेरा जैसे मैंने बिल्कुल रियलाइज नहीं किया था, बट द मोमेंट आई सॉ रोहित शर्मा फोटो आई वाज लाइक ऑब्वियस आला ये है। तू देख तो बाकी बाकी टाइम का भी होता है, 4 4 दिन में हो जाते हैं, मतलब 4 दिन का नहीं, गैप सेकंड होता और है थर्ड के बीच में भी गैप था काफी, वो बट ठीक है एनीवे टाइम दैट्स फाइन. टेस्ट सीरीज में। हाँ हाँ, बट तो एक ही ना सीरीज में दो दो इतने बड़े काम। ये बिल्कुल नए पैसे वाली हरकतें, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा. यार जब तुम्हारे पास एक सर्टेन अमाउंट का पैसा वो होता है, ना तुम्हारा उठना बैठना, फॉर्म इज टेम्पररी क्लास इज इन लोग परमानेंट ब्रो, इतने वही है ये। पैसे यार, एक पैसे के बियॉन्ड ना, तेरे को पता है इन लोग लाइक योर दिस थिंग लाइक वॉट इज एमेजॉन फॉर अस इज दे हैव डिफरेंट वेबसाइट्स, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टिंडर, दे हैव डिफरेंट, ऑल ऑफ दिस इज डिफरेंट फॉर दिस दिस क्लास ऑफ पीपल. बट समहाउ दीज गाइज बिहेव एज इफ कि पैसा अब भी मिला इनको, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता. और इन सब में ना सबसे ऊपर नीता अंबानी है. नीता अंबानी इज सच अ वॉनबी, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई. मतलब आर यू एक्सपेक्टिंग अस टू आंसर बिकॉज नहीं, मैं एक्चुअली वी ऑल्सो आई नो यू गाइज डोंट नो, बट मुझे अजीब सा लगता है. अच्छा तू जयशा पे कुछ बोल रहा था, बोल ले. नहीं वही बोल रहा था कि नीता अंबानी और इनका सब तो चलो, फिर भी वो लोग एक जनरेशन पहले, नीता अंबानी माइट नॉट हैव हरसेल्फ ग्रोन अप इन मनी राइट, आई डोंट नो हर हिस्ट्री, मतलब प्रोबेबली शी हैजन ग्रोन अप इन दिस अमाउंट ऑफ रिलेटिव अमाउंट में तो प्रिविलेज के कोई लिंक नहीं लैडर है पे देखेगा, मतलब। हाँ रिलेटिव प्रिविलेज के लैडर पे देखेगा तो नीता अंबानी का अपब्रिंगिंग आनंद और इससे जयशा से तो कम होगा। जयशा का बापू इतना बिजी था राइट कराने में प्रोग्राम में कि भाई मैं उसको जज करेगा, वो इंग्लिश का 4 सेंटेंस या अरे उसमें एक गुजराती चीज है, हिंदी उसमें एक का चीज चार है, सेंटेंस स्ट्रिंग नहीं कर सकता है। आई विल जज हिम बिकॉज आई विल यूज अ भाई सेंटेंस मुझे दैट मुझे लगता है वो गुजराती का भी नहीं कर सकता है। हाँ वो आई गुजराती में विल नहीं कर से पाएगा. समथिंग समथिंग दैट आई नेवर थॉट आई विल से इन 1,000 ईयर्स, बट आई विल से इट. लेट मी डिफेंड जयशा. डेविल्स एडवोकेट क्या यस मिस्टर है आनंद ना, रंगनाथन गो अहेड। क्या है ना कि इट्स डिफरेंट देन अंबानीज, बिकॉज अमित शाह के पास पावर है और अमित शाह के पास अब पैसा भी है, बट अमित शाह के पास लाइक क्लास होने का चांस नहीं है ना. ऑल्दो बाय द वे अमित शाह इज अमित शाह के हिमसेल्फ बेटे के सुन पास हो सकता है ना यार। ना, अमित शाह खुद एक नेपो बेबी है. अमित शाह के जो पापा हैं वो भी नगर सेठ थे, वो जो भी कहाँ के, जहाँ के भी हैं हम लोग, ठीक है वहां के नगर सेठ थे वो, ठीक है. सो दे आर दे ऑल्सो कम फ्रॉम मनी, नॉट अंबानी मनी, दे कम फ्रॉम मनी. बट द थिंग इज कि अब तो जयशा को देखा, जैसे जयशा की एजुकेशन क्या है, जयशा ने बीटेक किया है निर्मा यूनिवर्सिटी से. Which is supposedly a नहीं, good इट्स अ डिसेंट university. यूनिवर्सिटी, बट लाइक इट इज Decent, yeah, it's a नॉट, decent university. यस इट इज अ डिसेंट यूनिवर्सिटी, बट अगर तू तू निर्मा यूनिवर्सिटी में जाएगा तो तू फिर ये I मार्केटिंग think, को मार्केटिंग नहीं बोलेगा, ये मैं कहना चाह रहा हाँ, हूँ. और दैट्स द डिफरेंस राइट, And कि also ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मतलब घर में एक मुझे भी माहौल नहीं करा था है, लेकिन ना. अब अगर घर तू में ही 5.0 अगर पास हुआ तो ठीक, मतलब यार it's not like इंजीनियरिंग ही है ना, अब हाँ इंजीनियरिंग करने से क्लास आ जाएगा ये तो नहीं है ना. तो वो तो आए, अब घर में इनफैक्ट यार उल्टा हो जाता है मोस्टली मुझे तो लगता हाँ, और घर का एक माहौल होता है, ठीक है. अब घर अगर तू कितना भी, मतलब एक तो बेचारा इंडिया में ही रहा है, एक जैसा वो बाहर बाहर भी नहीं भेजा, वो इंडिया में ही रहा है, और घर में रोज देखता हूँ पिताजी बांस के तेल में सरसों का तेल, बांस के डंडे में सरसों का तेल लगा रहे हैं, यही सब घर में अगर माहौल देख रहा है, तो तू कहाँ से क्लास आएगी उसमें, हाँ है कि वही नहीं. तो इसलिए जयशा को मैं डिफेंड करूंगा इस मामले की, नहीं बोल सकता क्योंकि नहीं बोल सकता, ठीक है. और दूसरी चीज ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में उसके ऐसे बहुत वो भी नहीं होगा, वो ऐसा रहा होगा. एक तो तू सोच कि तू, जैसे मेरे कॉलेज में, जब मैं जिस कॉलेज में था, मेरे कॉलेज में एक, मेरे बैच में एक लड़का है जो एक्चुअली बीजेपी उत्तराखंड में एमएलए है कोई, उनका बेटा है वो अब ना. तो उसकी इतनी थी उस वक्त मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट टाइम पे, लड़के उसको ऐसे बहुत तेल लगाते थे, तो डावर हाँ, और नाम मिटाते थे बाबर का. बट मेरे का कहने का मतलब ये है कि तो ना, इन लोगों को तो एक तो लड़कों के बीच में आपको कुछ ना करे ही वो हो जाता है. और तो वैसा है, जैसे कि वाइफ का नाम क्या है पता है, रिश्ता पटेल. दिस ट्रिविया दैट आई नेवर हाँ बॉदर्ड यस एग्जैक्टली टू. रिश्ता कैसा नाम होता है बे, है दैट इज द अच्छा. लीस्ट ऑफ देयर फैमिलीज प्रॉब्लम्स आई वुड से।
नहीं, और अंबानी के केस में लाइक इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद जैशा, तू तू लिटरली हैंग आउट करता है मतलब शाहरुख और आमिर के बच्चों के साथ, मतलब यू यू कैन एनी वे कॉल लाइक यू नो यू, क्या नाम है यार शाहरुख के जो भी आर्यन, नाम है, आर्यन आर्यन, हाँ तो यू कैन कॉल हिम एंड से राज, कि आजा आर्यन वो अपन नहीं, अपन और जस्ट आर्यन आर्यन, आर्यन उस बहुत उसके पापा को जर्मनी बहुत अच्छा लगता है। मतलब फिर भी यू नो, अरे वो आर्यन खान छोड़ दे, तू मतलब पटौदी से को बुला सकता है कभी भी प्ले स्टेशन खेलने के लिए, बट अगेन हाँ मतलब सो ऑब्वियसली आनंद अंबानी हैज लेस ऑफ एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग नो देयर। या ही डेफिनेटली हैज लेस ऑफ एन एक्सक्यूज, एंड आई ऑल्सो थिंक दैट सम ऑफ इट इज जस्ट क्यूरेटेड, क्योंकि जो बहुत अमीर होते हैं ना उनके अंदर एक और डर भी होता है, जो कि इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो उनका उनका जो गिरता हुआ पसीना वही देख चाटने के लिए आ जाएंगे चार लोग। इंडिया में मतलब एक ब्लैक तरफ फंगाई और वो उनका है वो ना चल रहा है, मिस्टर सिन्हा उस आंटी का वो चल रहा है कि 30 साल से साड़ी नहीं खरीदा, ठीक है, और इस तरफ ये चल रहा है कि 500 करोड़ का नेकलेस पहन लिया, तो फिर पूरा देश प्राउड है शादी उस किसने की बात को करी थी लेके, अभी? पूरा अच्छा देश सुधा, इस, सुधा जी अरे सुधा, उसके हाँ उसके 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 पीछे मेरे को, मैं पूरा तेरे को बता सकता हूँ, सुन सुन, मैं बताऊँ, एक मैं तरफ बताऊँ। मैं बोल रहा हूँ देश का, मैं तेरे को यही पब्लिक का, एक तरफ उस पे प्राउड है कि देखो कितनी सिंपल है हमारी सुधा जी, इस तरफ प्राउड है कि इनका नेकलेस 500 करोड़ का है। भाई डिसाइड तो कर लो किस बात पे प्राउड होना है तुमको, ऑस्टेरिटी भाई 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 चाहिए भाई, ये? ये तो तू तू मतलब तू इस देश की जनता को बिगटेड होने, मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो बिगटरी कर रहे हैं, दो तरफ की बातें कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है तेरी भाई। इनको मोदी जी ने गुजरात में दंगा करा उस बात पे भी गर्व, और शहला शोरा भी कह रही है कि भाई वाह वाह मोदी जी, तो वाह दिस इज हाउ मुस्लिम शुड बी बिहेव। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, एक्चुअली क्या है ना, तू एक चीज समझ, एक्चुअली तुझे क्या मैं समझाऊं, तुझे तो पहले से ही समझ होगी इस चीज की, बट फिर भी बोल देता हूँ। खुद ही समझदार लोग हैं आप शक्लो स्पेशली काफी समझदार ये है पिलिका आदित्य, बिकॉज यार क्या ना, ब्राह्मण्स को बहुत ट्रेनिंग मिली है हजारों सालों से कि तुम थोड़ा कम बोल के चलो, ठीक है, ऐसे, क्योंकि ब्राह्मण्स को ऑलवेज पता है कि देयर काइंड ऑफ हेगेमनी ओवर द सोसाइटी इज ऑल्सो आई एम डिपेंडेंट अ ऑन कि बाकी ब्राह्मण लोग, बॉय हाँ इन अ ब्राह्मण वर्ल्ड। कि तो ना इसलिए ना तू कभी ना ऐसे कोई लाइक नारायण मूर्ति टाइप के लोगों को देखेगा तो इन लोग थोड़ा से संकोच में रहेंगे, वहीं पे तो अगर ये पंजाबी और ये गुज्जू दो मोर बनिया काइंड ऑफ रिच पीपल, दे आर लाइक वो उसका नाम क्या है, पेपैल, पेपैल नहीं, पेटीएम का जो है समझ गया ना, पेटीएम सॉरी शमशेखर, तो ओला वाला हाँ है हाँ जो भी है, ये सब थोड़ा ज्यादा रहेंगे ऐसे, क्योंकि इनको इनको वो ट्रेनिंग नहीं, जेनेटिक्स में है भाई तुम लोग की ट्रेनिंग, तुम लोग के तुम जेनेटिक्स में है लोग के, तुम कि हम्बल लोगों रहना के, है। यस तुम तू खुद को देख ना, लोगों तू हम तीनों में से तू खुद को देख, तू कितना हम्बल है, ये हम्बल तुझे लगता है कि तेरी पर्सनल क्वालिटी, बट नहीं, ये तेरी जेनेटिकल ट्रेनिंग है, जेनेटिकल वर्ड यूज किया मैंने, जेनेटिकल, ये अलग है, तो इसीलिए ये डिफरेंस है। और पर इसमें भी है जस्ट तू वो उन दादी का लग 30 साल से साड़ी नहीं खरीदा, देखो क्या फर्क पड़ता है मतलब तेरे से, मतलब दैट इज न्यूज, और वो अपना न्यूज चैनल मतलब बेसिकली इतना ही कवर कर रहा है आजकल, किसने कितने सालों में साड़ी नहीं खरीदा है, किसका नेकलेस कितना है, बस अभी तू मैं ये न्यूज देख, तो ना छोड़ दे। तू ये देख, आई जेन्युइनली डोंट नो कि ये चल कैसे रहे हैं सारे, आई जेन्युइनली बिकॉज आई हैव कांग्रेसीज एंड भक्स बोथ इन माय फैमिली एंड लिटरली बोथ आर नोबडी, प्राउड। नो नोबडी वॉचेस न्यूज, आई एम सेइंग टीवी न्यूज, ये नहीं, इनको लोगों को तो कैसे सैलरी मिल पा रही है मुझे नहीं पता। देख टीवी न्यूज उनको टारगेट करता है जो अंकल ग्रुप बेसिकली ना, बाकी भाई तो है देख वो लेते भी, हैं रणबीर हाँ अलावादिया, मतलब वो भी मैं उनको या देख रहा हूँ टीवी न्यूज के ऑडियो साथ थोड़ा वो भी डिक्लाइन है है ये, मतलब नहीं देख रहे, थोड़ा वो मूवी भी बैकग्राउंड है। में चलती रहती होगी या व्हाटएवर। हाँ वो एड्स, एड्स पे पैसा चल रहा है ना, और एड्स ऐसा है कि फेक लाइक टीआरपी पे भी चल रहा है। बट अभी तू ये देख कि अडानी के भी दो बेटे हैं, उसमें से एक बेटे की शादी हो चुकी है, पर तू ज्यादा वो नहीं देखेगा उन लोग एक्चुअली। अदानी इज मोर सेल्फ अवेयर इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? नो ये नीता अंबानी, द प्रॉब्लम इज नीता अंबानी, अरे ऑन द ओकेजन ऑफ ये वुमेन्स डे लेट मी से द मुकेश का प्रॉब्लम क्या इज हुआ? नीता अंबानी। मुकेश नहीं दिखे, मुकेश मुकेश, आए थे, अरे मुकेश के वो अनिल, चाचा, ओ सॉरी अनिल हाँ अनिल अनिल, आए हाँ थे। अरे तूने वो वीडियो नहीं देखा क्या भाई, क्या इतना हो गया इतना वियर्ड एक वीडियो है ना, वो था क्या, वो मैं तेरे प्लेट को सुन बनवा रहा सुन था सुन, मैं आई विल ट्राई क्या? टू एक्सप्लेन बिकॉज आई कैन नॉट पॉसिबली फाइंड द वीडियो इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो आए हैं वो लोग,
ठीक है, ऑफकोर्स अब तू ये सोच, अब तू यार सुन, हर 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 फैमिली में रिलेटिव ऐसे होते हैं ना जिनसे बात बात नहीं होती, लेकिन आना पड़ता है उनको ऐसी तू सुन मेरी सिचुएशन बात सुन। तो ना ऐसे में। प्रेस वाले हैं, जैसे जैसे ऑस्कर में होता है ना, ऐसे रेड कार्पेट में लोग आते हैं, तो ऐसे शाहरुख आ रहा है, सलमान आ रहा है, आमिर आ रहा है, ये सैफ आ रहा है, ये वो आ रहा है, और ऐसे कैसे आते हैं, यू कैन इमेजिन लाइक कैसे आते हैं ये लोग, ऐसे आते हैं और ऐसे 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 खड़े होते, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, फिर चले जाते हैं, राइट। अचानक से तुम देखोगे कि चार लोग हैं, दो बेटे और हस्बैंड वाइफ, सूट के खुद हाथ में लेके आ रहे हैं। लिटरली अनिल अंबानी, टीना बर्मन के दो बेटे आए, हाथ में सूट के लेके अचानक आ गए, जैसे अरे भैया हम भी आ गए भैया, चेयर किधर लगवानी है भाई। दिस इज, आई विल फाइंड द वीडियो, आई विल शो यू द वीडियो, कि यू यू विल बी सरप्राइज, लाइक इट इज लाइक वी आर लिविंग इन लाइक सम सॉर्ट ऑफ वियर डार्क कॉमेडी राइट नाउ, वेयर एवरी वन इज लाइक जस्ट डूइंग वॉट एवर स्टीरियोटिपिकली दे आर सपोज टू डू। मतलब क्या गाड़ी भी नहीं भाई अबे वो सूटकेस हाथ में पकड़, गाड़ी छोड़ वो भाई, मतलब भाई मेरी बहन की शादी में चल लेने भले ही ना जाओ, लेकिन कोई अरे 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 फूफा जी आ गए, चलो तो सामान उठाओ सामान उठाओ, इतना तो कर देते, फूफा जी खुद थोड़ी लेके आते सामान। गाइस एक सेकंड, अब हमारे सुनने वालों को मैं एडिट कर दूंगा, आई एम सॉरी बट आई वांट यू गाइस टू सी दिस ट्विटर ट्वीट दैट आई जस्ट, लिटरली देखो तुम लोग। यार ये तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। वही ना, मतलब ये दुनिया ऐसा है जो तेरे को भी पहले उद्धव ठाकरे के लिए रूट करवाया उसने तेरे को, अगला वो अनिल अंबानी के लिए तेरे को भी मोशन लेके आएगा, तो दैट इज वेयर उसके वी बाद पता आर। है अनिल अंबानी की वीडियोस कैसे आ रहे हैं शादी से, अभी तुम लोगों ने मतलब मैंने बहुत कंज्यूम किया लगता है ये तुम लोग से, कैसे अनिल अंबानी की वीडियोस कैसे आ रहे हैं, अब वो जो सुन रहे हैं हमें वो शायद समझ नहीं आएंगे, मैं तुम लोग बता रहा हूँ कि अनिल अंबानी ऐसे है, और ऐसे शादी में रात हो गई है सब ऐसे है ना, ऐसे वीडियो में ऐसे अचानक तू देखा, अनिल अंबानी चश्मा ऐसे है, फोन ऐसे है, और वो सैफ अली खान के बाजू में खड़ा है, प्लीज पब्लिक सेल्फी को ले समझा रहा देना, नहीं, सैफ अली खान के है। बाजू में खड़ा है ऐसे, अपेरेंटली इट्स लाइक वो सैफ अली खान का फोन नंबर लेने की कोशिश कर रहा है, इस हाँ तरीके सो की वीडियो आए उस बीच में। सिंपल, ऐसे इसके लिए भी किसी ने ट्वीट किया होगा। नहीं इन लोग के लिए तो ट्वीट, अनिल अंबानी के लिए ट्वीट पता कौन सा चला, सूर्यवंशम यादव अमिताभ बच्चन वो वाला चला अरे है, बच्चन साहब नहीं देखे, बच्चन साहब ने प्रॉक्सी भेज दी थी। बच्चन साहब नहीं आए नहीं बच्चन हैं, साहब गए होंगे बच्चन साहब ऑफकोर्स, फुल नहीं नहीं फैमिली आई, खाना ना नहीं, अभिषेक पराठा वराठा ऐश्वर्या उन्होंने सब, खाया, बस वो दिखे हैं, बच्चन कहाँ दिखे, कोई नहीं भी नहीं नहीं मैंने दिखे। वीडियो देखा है, क्या रहे हो वो, नहीं कॉय हमको कॉय, मैं ढूंढू अब पराठा क्या क्या हम ढूंढू। भी दो ढोकला हम भी खिला देते हैं तो अभी पता है, तू अगर ट्विटर पे अनिल अंबानी सर्च करेगा ना, तो तेरे को वीडियोस में ना, क्यों क्यों या तो करूंगा जैसे सुन सर्च सुन बात सुन, मैंने किया तुम लोग के लिए क्या, ठीक है, तो ना तेरे को ना या तो एक वीडियो मिलेगा जो ये वाला वीडियो जो मैं तुम लोग को दिया, हमने पूरा लगेज लेके चल रहे हैं, और दूसरा वीडियो तेरे को सूर्यवंशम का वीडियो मिलेगा, लाइक बीच में कुछ नहीं है। और ये कोई सेलेब्स भी थे जो बस से पहुंच गए थे, उनमें भी दो नहीं टाइप के नहीं सेलेब्स। नहीं अनिल नहीं अंबानी नहीं का जो तूने नहीं वीडियो दिखाया आई अभी, विल टेल तो यू उसमें उसमें अनिल और टीना टीना भाभी के फोटो मतलब कपड़ों से भी ऐसा लग रहा है जैसे है मतलब ना, कि कैजुअल ट्रेन से आए हैं, ट्रेन से आए वाली ट्रेन फीलिंग, से आए और हैं। मतलब वो अभी इट इज कल नॉट लुकिंग, इट इज नॉट कल्याण वर्साचे और अरमानी, इट इज लुकिंग लाइक अपना कुछ जैसे कूटॉन्स कूटॉन्स लग रहा है मुझे। नहीं, ऐसे अनंत को भेजा था सुबह कल्याण स्टेशन पिकअप करने के लिए, कल्याण जंक्शन से। हाँ चाचा को लेके आ जाना देखो, और चाचा चाचा जैसे भी है हमारे चाचा है, उनका सम्मान है, करना है, हाँ सम्मान वही, करना। पैर पड़ना जाके, पैर पड़ना जरूर। और ना तो बात यह है कि मुझे नहीं मतलब सीरियसली ये लाइक आई एम काइंड ऑफ लाइक कैसे लाइक ऐसे बहुत पीछे रह गया हूँ मैं, भाई वाली फीलिंग आ रही थी वो देख के। सीरियसली यार मतलब तू अगर उसमें से वो पेपराजी और फोटो हटा दे हाँ तो पापा राजी, मतलब तो पापा तो राजी हमारे घर में, हैं, हमारे घर में भी गेस्ट ऐसे आते थे 10 साल पहले। बट कुछ ऐसा हमारे लगता है घरों क्या में कि गेस्ट अच्छा को दरवाजे के बाहर ऐसे नहीं ना रेड कार्पेट लगाएगा मुझे एक चीज फोटो बता, खिंचवाने के लिए। नहीं नहीं वही मैं कि बोल रहा हूँ, अगर इसको हटा दे तू तो दैट्स वेयर दे आर एट राइट नाउ, अगर तू मुकेश भाई ने पार्टी ऐसा का नहीं बोला हो पेपराजी कि यार हटा। अनिल यार थोड़ा लाइक मुकेश हुस आई डोंट थिंक मुकेश भी कपड़े वपड़े में ज्यादा ध्यान देता है। लाइक टू बी किस नीता भाभी ने, फेयर किसी ने तो सोचा होगा ना कि यार इन सब लोगों के तुम लोग ऐसे आके तुमको शर्म नहीं है, नीता तुम भाभी इतने ने उनके घर में, बाकी मतलब जो सदाशिव अमरपुरकर होंगे उनके घर के जो भी, हाँ उनमें हो रहा होगा बात। मैंने हाँ मैंने एक्चुअली नहीं ट्वीट तो किया तेरे क्या को पता क्या इस वीडियो पे, लग रहा है, कि नो बट आनंद दिस आनंद बाबू मीन्स कमिंग टू अनुराग दिस मीन्स दैट नीता भाभी यू आर इक्वेटिंग हर मोमो टू मोमो, बट मोमो अब वाज अ इस गुड, मोमो वाज जेन लाइक शी वाज गुड बट शी प्रोग्रेसिव वाज इन्फ्लुएंस्ड, शी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लुएंसर तो द नीता भाभी है, मैम्स लेकिन तो ये अच्छा ये अरे लोग तुम लोग बस इन्फ्लुएंसर्स को वाली भी स्टोरी बुलाते चाहिए हैं कि नहीं, क्या, बस वाली ओरी स्टोरी ओरी चाहिए को कि नहीं। बुलाते हैं क्या? आई थिंक इस स्टेज में आई थिंक मुकेश भाई इज द मोमो।
मुकेश नहीं नहीं मुकेश भाई नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में. अगेन आई नहीं विल वो से इतने समथिंग. क्यों है बट ही लेट इज मी डूइंग इट डिफेंड, बिकॉज़ लेट ही मी इज डूइंग डिफेंड इट मुकेश बिकॉज़ अंबानी, लेट मी डिफेंड मुकेश अंबानी. जैसा के देख बाद मुकेश अंबानी, अब तो मोदी जी को डिफेंड कर लो फिर अगली बार. ही गेव अनिल अ दो लॉट ऑफ धक्का और चांसेस दो. व्हेन धीरू भाई पास्ड अवे. तो पूरा जो मोबाइल टेक का बिजनेस था वो अनिल को दे दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि मैं एनर्जी पे काम करूंगा, पेट्रोल वेट्रोल जो भी है कम ऑन ठीक है. इंडिया, और उसने वो कर रिलायंस लो सीडीएमए और ये दुनिया वो सब किया मुट्ठी और में. सब हाँ फेल हो गया. तो उसके बाद लाइक इतना वेट करके, तू ये सोच कि तू सोच रिलायंस फेल हो गया था जब अपन इंजीनियरिंग कर रहे थे, तब फेल हो गया था. और फिर वो जियो लेके आया 2016 में लेके आया, तो 10 साल उसने वेट किया. तो मैं लाइक लाइक अनिल सच में, मतलब क्या ही बोलूँ मैं निकले, क्या बोलूँ, ही सच अ वेस्ट इज वॉट अनिल को हैपेंड. लेकिन लग वो मिला कॉन्ट्रैक्ट राफेल का, मतलब तो नहीं रहा देख के, वो अलग बात मुझे है मुझे तो मतलब. रफेल के लिए डर लग रहा है अभी. तो तुम लोग को नहीं लग रहा वो वीडियो देख के रफेल के लिए डर? कैसे होगा रफेल? हाँ राफेल होगा होगा वैसे नहीं लेना, मेरे मतलब. को इतना, मेरे को मतलब वही इस बात से वो एक किस्सा याद आ गया कि हम लोग के कॉलेज में, मतलब जब प्लेसमेंट प्लेसमेंट के समय फोर्थ ईयर में ना डीआरडीओ आई हुई, तो हम लोग के एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसका हो गया उसमें, मतलब इंटरव्यू क्लियर कर लिया उसने. तो हम लोग बोला भाई तेरे को डीआरडीओ ने अगर तेरे को ले लिया है ना, तो जिस जैसे डीआरडीओ की कोई शिप होगी ना, जो अगर वो कल कल उसको डिप्लॉय होना है, तो तू रात को 1 बजे तक बना रहा होगा वो शिप, और वो अगले दिन डूब जाएगी. तो वही होने वाला है और रफाल वाले. या ये मेरे साथ डीआरडीओ तो नहीं, मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो भी पॉडकास्ट सुनता भी है, बट उसकी वो कॉलेज से सेम सीधी, है. नहीं, वो तो कजन है, ये दोस्त है. कॉलेज से उसको सीधे अशोक लीलैंड में वो गया, अच्छा, वो उस और कजिन को मैं भी जानता हूँ क्या? नहीं वो कजन नहीं है. ओके. हाँ बट वो कजन सुधर गया है अपने इन्फ्लुएंस में, बट अशोक लीलैंड में गया. और लिटरली ना फिर वो मुझे एक कुछ 6-8 महीने बाद फोन करके ऐसे बता रहा है कि यार तेरे को पता है ऐसा, कल गाड़ी रिलीज होनी, कल उनका प्रोडक्ट रिलीज होना है, और आज रात को हम लोग जो हम लोग सीनियर इंजीनियर हैं अपेरेंटली एंगेजमेंट प्रोडक्ट में, हम लोग ट्रक के नीचे आके पाना पिंचेस लेके टाइट कर रहे हैं. मेरी मैंने बोला कि भाई समझ गया मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि अशोक लीलैंड खरीदा. बट एनी वे, भाई गोइंग गोइंग अशोक बैक लेलैंड तो टू फिर भी ट्रक बना रहा है, ये सेम चीज अभी जॉन ऑलिवर के लास्ट एपिसोड देखा होगा अगर, तो बोइंग भी बोइंग, कर आई नो वो ना बस. तो बेसिकली ये था कि भाई जामनगर एयरपोर्ट से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबको बना है बस अभी में अभी. बैठा के. हाँ हाँ वहां से तेरे को वहां तक जहां पे भी शादी हो रही है भाई वहां तक ले जाने सॉरी, के ये लिए इंटरनेशनल जो किया है, 10 दिन अगेन के लिए मतलब वो ठीक है जितने भी इकोनॉमिक लोग, मतलब एक्टिविटीज के लिए, हाँ अब इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटी के लिए. वो, बट टू टू मतलब द लेवल ऑफ इन, मतलब द लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर मोदी जी एंड द होल गवर्नमेंट. तू अगर किसी एयरपोर्ट को रैंडमली 10 दिन के लिए, तू भले टेम्परेरीली उसको इंटरनेशनल बना रहा है, विच मीन्स यू नीड द सिक्योरिटी और कस्टम्स सिक्योरिटी और पता नहीं क्या क्या. एंड आई एम गेसिंग मोस्ट ऑफ द पीपल हु फ्लू देयर वर प्रॉबली कमिंग इन ईदर देयर प्राइवेट जेट्स और चार्टर्ड जेट्स. देख मैं तेरे को अभी तो एक मतलब तू सोच रहा एक है कि बिना बिना एविएशन मिनिस्ट्री के उसके तो नहीं हो सकता है. तो एक स्क्रिप्ट फ्लोट करता हूँ मैं तेरे लिए, ठीक है? तो ऐसा है कि ये सारा जो प्री वेडिंग इवेंट है ना, इट्स ऑल अ रूज. इट्स अ पीआर. नहीं, जामनगर एयरपोर्ट को कन्वर्ट कर दिया है कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ताकि लोगों को अंदर घुसा पाए और चीजें स्मगल करा पाए वो एयरपोर्ट के थ्रू अंदर, क्या कुछ क्या स्मोक स्मगलर स्क्रीन कुछ भी. भाई, तो लिटरली तेरे को बोल रहा हूँ, लिटरली मैं पिछले, मूवी फिक्शन में तेरे को फ्लोट कर रहा है यार अच्छा मैं, अच्छा तू मैं तो रियल लाइफ बता रहा हूँ कि बोल लिटरली अभी वापस वो जो वो पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, फिर वापस से बोल रहा गांजा हूँ पकड़ा तू. गया, हाँ वापस फिर गांजा निकला वहां से लिटरली. गांजा तो कुछ गांजा कुछ नहीं, भी नहीं सॉरी है, सॉरी गांजा वो नहीं, हार्ड ड्रग्स होगा तू वो समझ रहा तो. है ना क्या मतलब, वही जो हेरोइन हाँ वरिन जो भी होता है वो सब निकला, हाँ ब्राउन शुगर. ये हाँ ब्राउन ब्राउन शुगर सुना शुगर. था मैंने 70s में, ब्राउन शुगर. नाइस वगैरह ऐसे पैकेट में आता था हिंदी सिनेमा में, तो पैकेट से भाई ऐसे भाई ऐसे सुनना, तो पुलिस तुम लोग वाले. ने, तो मैंने ये किया कि भाई जामनगर एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 दिन के लिए बने गए, मतलब या तो ये देश इतना काइंड है कि किसी भी बाप जो अपने बेटे की शादी करा रहा है उसके बारे में सोचता है, या फिर एक बनाना रिपब्लिक है. अब उसके नीचे अंकल है जिनका नाम है औचित्य ठक्कर, उनका जीवन जीने का औचित्य क्या मुझे नहीं पता, पर उन्होंने मेक इट मेक सेंस, मेक इट मेक सेंस. एवरी वन हैज स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग डिमीनिंग दी अंबानीज फॉर वेरियस रीजन्स. इफ वी कुड अचीव 1% ऑफ वॉट दे हैव, मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड GDP इज इन इंडिया, इज इन नेबे विल बी इन इंडिया. बोलना अंकल, इफ वन कांट अप्रिशिएट दैट एज एन इंडिविजुअल दैट इज फाइन, बट वाई लुक थ्रू द प्रिज्म अकॉर्डिंग टू अवर प्रेजुडाइसेस.
मेरे को मेरा प्रेजुडाइज ये है कि भाई तूने मेरे बिना लाइक वियर्डली रैंडमली एक एयरपोर्ट को क्यों कर दिया, मतलब ये मैं प्रॉब्लम मैं हूँ, ठीक है प्रॉब्लम मैं हूँ क्योंकि मैंने सवाल पूछा। ये तो ऐसा देश है, किसी ने उसमें बोला टूल किट एक्टिवेटेड ही, मतलब क्योंकि क्योंकि उनके उनके लिए दिमाग में वही है ना उनका खुद का टूल किट एग्जैक्टली एक्टिवेटर क्योंकि देख उनके हिसाब से नोबडी दुनिया कैन में। थिंक इंडिपेंडेंटली, अच्छा इस मतलब मैं ये एक और आपको भी सवाल तुम डायरेक्टली लोग से बोलते पूछना हैं चाहता हूँ कि भाई भक्तों का दिमाग क्या है। नहीं है क्या तू है मुझे मतलब बता, उन लोग क्या ऐसे मेरे किसी ट्वीट पे लोग रिप्लाई करते हैं बॉन्ग डिरेक्टेड ओपिनियन रिजेक्टेड, उनको क्या जीत गए ये वो? उनके हिसाब से बहुत ऐसे स्मार्ट डायलॉग ये है। वो शाम को बैठ के दूसरे अपने भक्त को बताता होगा आज मैंने मतलब सबक दिखा दी सिखाया, औकात। दिखा दिया क्या कम्युनिस्ट बोला तूने? बॉन्ग डिटेक्टेड ओपिनियन ओपिनियन रिजेक्टेड। रिजेक्टेड, बोला कल मतलब कल मैं सेम चीज में बॉन्ग की जगह फीमेल देख के हाँ लड़की को भी यही बोलेगा हाँ अब बता तू मल्लू मुस्लिम जो भी बस तुम सब लोग को कुछ भी ठीक कर सकते लगे, हो। हाँ। ठीक है। तो मतलब ऐसे चल रहा है दुनिया में। उसके बाद अपन आते हैं देश में जिसके हमारा बाद हमारा जामनगर खुद में एक देश है बेसिकली। जामनगर खुद में एक देश है, पर मैं तो एक स्पेसिफिक न्यूज मैं तुम लोग के साथ शेयर करना चाहता था। अपेरेंटली मोदी जी ने कहा है कि मीडिया जो है हाँ वो ओ माय न्यूज दबा गॉड रहा है हमारे अच्छे कामों को। मैं मतलब दिस इज कैसे सच ना। कंप्लीट करूं इस न्यूज को अगर तुम? देख अगर मैं शिव अरूर या राहुल कमल होता तो मुझे देख के इतना मतलब अब तो शर्म आनी चाहिए कम से कम। मतलब अब तो नहीं, शर्म इन द अब तो वो लोग और ऑपोजिशन। कॉम्पेंसेट करेंगे, वो लोग शर्म वरम नहीं अरे आता वही बोल रहा उनको। हूँ। अरे कम से कम मतलब अपनी अपने इनएप्टीट्यूड पे तो शर्म कर लो कम से कम। मतलब फॉरगेट अबाउट विच साइड यू आर ऑन। अरे देख शिवरूर और राहुल कमल को अभी भी दिमाग में तो उनको यही लगता है ना कि वो लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं। आई डोंट थिंक लाइक सुधीर और वो जो वो कौन है वो गुल्लू, अरे इनका ये होता गुल्लू होगा बता कि आई वो एम 100% श्योर गुल्लू को जानते भी नहीं मोदी जी। नहीं, वो उनको खुद गोदी बोल रहे हैं मीडिया कौन चूक गया सर्कल्स ये गोदी इंटरव्यू मीडिया इंटरव्यू सर्कल्स दिया के। मोदी जी अरे ने, मोदी जी ने इंटरव्यू दिया है। वो ऐसे ही वो तो पीआर वो तो बोल दिया होगा कि इसको भी दे दो नहीं मतलब गोदी उन्होंने दे दिया सर्कल्स में होगा। उनको पार्टीज में नहीं इनवाइट किया जाता होगा, हाँ गुल्लू यार उल्लू को नहीं बुलाते होंगे, वो खुद ही बोलते हैं। सुधीर ऐसा नहीं ऐसा ऐसा बुलाता ऐसे होगा मैं गुल्लू ऐसे को। ऐसे मैं मान सकता हूँ कि मोदी जी ने ऐसा इंटरव्यू के पहले से बोला होगा कि बाय द वे दृश्यम में क्या काम किया आपने। मोदी जी ने ये बोला ना कि आर्टिकल 370 देखना सच जानने के लिए। यार मुझे ये बता, तू भक्त है? याद है ये सेम जनता नॉट द अगेन इन डिफेंस ऑफ केजरीवाल नाउ। मैं केजरीवाल डिफेंस कर ले तू यार, मैंने अभी बहुत लोगों को हाँ डिफेंड किया हुआ है, तू नहीं मैं तो ये खत्म। बोल रहा था कि याद है जब वो मूवी कब एक दो बार उसने अमित शाह किया था तक तो को पूरी डिफेंड सब कर लोग लिया। पीछे पड़ सब लोग पीछे पड़ जाते थे कि कुछ काम भी कर लो मूवी रिव्यू ही करते रहोगे। पर अब वही लोग देखने लगे यार थे कहीं। तू मुझे ये बता, इस यही मैं बोलने वाला, एक्चुअली मैं यही पूछने वाला था तुम लोगों से कि भाई 18 घंटे काम करता है बंदा, ये जो तीन समुद्र में तीन ना के घंटे नमकीन बन रहा है, ये इसमें 18 घंटे में से कॉस्ट में आ रहा है, नहीं और हर हफ्ते 5-6 मूवी निकल जाता है ऐसे, सारा प्रोपेगेंडा मूवी भी देखता है। वो तो अपन करेंगे अभी। तूने देखा कि नहीं बस्तर बोल के मूवी आ रही है, हाँ मैंने बोला है फ्रॉम केरला मेकर्स स्टोरी, ऑफ केरला स्टोरी फार फ्रॉम करेला होम वो ठीक है। लेकिन देखने में 2 मिनट मोदी जी के उसके बारे में बात कर रहा था भाई बन, ये इनका सही आई है ना डोंट नो अबाउट वो यू बट आई नो निशांत हैस। विपुल शाह और शेफाली शाह का बढ़िया है। वो ऐसी मूवीज कर रही है जो दोबारा मतलब शी इज कहाँ फुलफिलिंग कर रही, हर कहाँ कर रही है वो, ऐसा कौन सी मूवी करी है उसने? वो बस नहीं ऐसे मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंटेशन जो डुबा रही है। है टाइप्स मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा मतलब शी इज गेटिंग क्रिटिकली अक्लेम्ड एंड द हस्बैंड इज ब्रिंगिंग इन द एनीवेज अरे हाउ इसे आई इसे डोंट थिंक कोई। हाँ बिंगो बिंगो के लिए एक और मैं पॉइंट बोलना चाहता था। आज मुझे एक चीज पता चली, बहुत ही रैंडम फैक्ट निशांत के लिए, वो बंदा है ना, अरे भाई ये सब क्या हो रहा है, वो अंकल जो है एक्टर, समझ के हाँ किसी बात कर रहा हूँ, हाँ अरे कहना हाँ क्या चाहते हो, हाँ समझ गया? हाँ वो भी है संग। ये सब नहीं क्या एक नहीं सेकंड अरे वो मेरा अंकल है फिर से ना, माइंड नहीं, हाँ सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, नहीं, हाँ अरे कहना क्या चाहते हो वाले जो हाँ अंकल, थ्री हाँ इडियट समझ वाले, गया ले यू आर नॉट रंगीला में फर्नांडो जो रंगीला उर्मिला रॉबर्ट। के हाँ डैड, हाँ यस यस वो समझ जबलपुर से है। हाँ आज ही पता चला अरे मुझे कहना क्या मेरे चाहते को। हो। हाँ आई थॉट ही एनीवे वाज महाराष्ट्रियन फॉर सम या रीजन। ही अरे तो ही जबलपुर इज में रहते हैं नहीं हो मुझे पता सकते है राइट, मतलब। नहीं हो सकते क्या? हाँ हाँ एमपी के महाराष्ट्रियन हो सकते हैं एमपी हाँ। इज वेरी कॉस्मोपॉलिटन ब्रो। कॉस्मोपॉलिटन। जबलपुर यूनिवर्सिटी की बात करना चाहोगे कि नहीं तुम लोग, डेट्स वगैरह देख के एग्जाम लेना ही भूल गए एग्जाम। हाँ एग्जाम लेना ही क्या भूल देश है गए यार, क्या देश है यार भाई।
तो मैं ये कहना लिसनर्स चाह रहा अपना कि सर पकड़ के बैठे हैं हम लोग अभी। मैं ये कहना चाह रहा था कि आदित्य, मुझे नहीं पता कि तूने तूने कभी स्नॉर्कलिंग किया है क्या? तूने सी तूने डाइविंग किया है? नहीं किया ना? तो मैंने किया क्या मैं वो? मैं तूने तो किया है राइट निशांत? हाँ मैंने किया है। और हाँ मैंने भी किया है, मतलब मोदी जी ने किया है उतना पता है जैसे तैसे मुझे। मैंने किया। तो मैंने किया, तो मुझे जो मैंने जब किया था भाई, मैंने नॉट टू ब्रैग बट मैंने पैसिफिक ओशन में किया था, हवाई में। हाँ मैंने भी वही किया था लगता है, पर मैं आई एक एम ही जगह श्योर किया हम होगा। सब ने एक हाँ जगह बोलो कि किया। नहीं। बट एक चीज है कि जब आप करते हैं तो बेसिकली देर इज लाइक अ आई आई गॉगल्स आपको पहनाते हैं, और मुंह में वो आपको ऑक्सीजन का बोल लेना पड़ता है, और फिर आप पानी के अंदर जाते हो राइट। पर क्योंकि मोदी जी का चेहरा देखना जरूरी था, वो मुंह में कुछ लेते हुए बहुत अजीब दिखेंगे कि मोदी जी भाई मुंह में जो ले जो रहे हैं। एक्चुअल गियर है, जो एक्चुअल हाँ गियर होता है वो पहने हैं साइड में जो दो बंदे हाँ हैं। साइड वाले लोग, हाँ उनको लेकिन पहना वो दिया उन्होंने स्पेशल मार्शियन बना वाला है। हाँ गियर, उनको मार्शियन वाला गियर वही। पहना है, हाँ नीचे लाइट लगा के हेलमेट में, ठीक वही। हाँ है। और उससे भी मस्त चीज पता है क्या है, मोदी जी ने अपने अपने लोगों और इन चीजों पे ना थे ऑफिस जैसे एपिसोड बनने चाहिए, पता है गाइस? उन्होंने बोला कि आ मुझे मुझे तो वो ऑफिस मुझे जैसा एपिसोड मुझे बनाने का जरूरत भी नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ इनका नहीं भाई, डॉक्यूमेंट्री एपिसोड इनको अनआयरोनिकली रिलीज करने दो, वो वैसे ही भाई, होगा। इवन माइकल स्कॉट इज वे टू अवेयर एंड हम्बल फॉर मोदी जी एट दिस पॉइंट। क्योंकि मैं वो याद है एग्जैक्टली वही वो बोलने जब वाला वो था जाता कि है अकेला, जब वो माइकल स्कॉट वो एपिसोड है ही गोज इनटू द वुड्स और ड्वाइट इज वाचिंग आउट फॉर, उसमें भी वो अकेला ही कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। इधर वो भी नहीं है, इधर उनको तो ये चाहिए सर कि उन्होंने, क्लैरिटी मोदी जी ने ये चाहिए। बोला कि द्वारका नीचे समंदर गए और मुझे करनी जाके आरती, तो मैं क्या करूं? अब समुद्र में आग तो लगा नहीं सकता, तो मैं आरती कैसे करूं? सर आप मोर का पंख खिला दो और फिर वो गड्ढे में डाल दो मोर का पंख, अपन सबको बोलेंगे कि आरती होगी। ये कौन सी क्या चल रहा है यार? ये रिलीजन है जो ये खुद चलाते हैं, मतलब खुद ही अगेन और फिर एंड ऐसे अगेन ऐसे जैसे कोई, जैसे कोई अगेन। ये कोई 15 साल का लौंडा पहली बार इस बूट्स छू रहा है, एक्टिविटी वैसा में, वैसे वाली हरकत देखी तूने मोदी जी की? हाँ अगेन आई इस लिंक इट एक्टिविटी बैक में टू दी कुछ भी एम्पायर तो कुछ पॉडकास्ट। 25-30 लाख तो खर्च हो ही गया होगा, हो सकता है 50-1 करोड़ भी हो गया हो तू मूवी ये पूरी सो एक्टिविटी में। भाई, समुंदर के अंदर रेड कारपेट है कि ये देखा कि नहीं हाँ तूने? हाँ 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 वो तो देखा। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो लोग जेएनयू के बच्चों को ये बोलते रहते हैं कि तुम मतलब वेस्ट मनी वेस्ट एलिट्स कर रहे हो, हाँ कि तुम्हारी पीएचडी से कुछ नहीं हो रहा है, हाउ आर दे फाइन अगेन। अब मैं यार, एज आई वाज आस्किंग दिस माइसेल्फ आई अगेन रियलाइज कि नेगेटिव आईक्यू है तो क्या ही कर लेंगे। टूरिज्म बढ़ा रहे हैं वो द्वारका का। तुम लोग भी ना, मतलब तुम लोग सोचते नहीं हो, बड़ा सोचते हैं, बड़ा सोचते हो, छोटा नहीं सोचते। तुम लोग छोटे सोचते हो, छोटा सोचते हो। और अगेन टू लिंक इट बैक टू और एम्पायर पॉडकास्ट, तो वो लोग ये भी बात कर रहे थे कि बुद्धिज्म जो है इंडिया में फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बेसिकली अ कल्ट, अगर जो डिफाइन करने जाए तो, जो बिहार और यूपी वाले वही बेल्ट में एक छोटा सा पॉपुलेशन है। मतलब देयर इज इनफ, मतलब अ लॉट ऑफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट इतना बड़ा नहीं था अशोक के एम्पायर तक, एंड ही वॉज बेसिकली द वन हु काइंड ऑफ उसने अपना खुद का तड़का दिया और उसने फैलाया ये चीज ना। तो मोदी जी का ये मयूर का पंख ये सब वैसे ही है, ये फैल जाएगा। कल अगर कल तो मोदी देखेगा कि टेक ब्रो होंगे वो स्नॉर्कलिंग करके अंडर अगर वाटर मोदी जाके जी पत्थर पत्थर अगेन वत्थर के सामने मयूर का अगर पंख चला स्लाइट रहे। स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड मोदी जी रिलीजन। बुद्धिज्म टॉक्स अ लॉट वायलेंस, अबाउट जस्ट सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग एंड नॉट बीइंग ग्रीडी मोदी जी ऑल्सो एंड सैक्रिफाइसेस ह्यूमन लाइव्स। ओ दैट वे। हाँ ओके यार मोदी जी अगर हमारे अशोका हैं तो रात का नशा भी गाना कौन गा रहा है? वेयर एल्स वुड यू हैव हर्ड दिस। मोदी मोदी जी नाचे ओ रे कांची। काची की गुड़ी है। आई सॉरी टू बी इससे रिलेटेड, निर्मला सीतारमण जी ने एक अब स्टेटमेंट उन्हें दिया क्या था, कर दिया यार। उनका स्टेटमेंट आया है, मैं बस तुमको बताना चाह रहा हूँ, बाकी तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग को जो करना है करो उससे। उन्होंने कहा कि द बिगेस्ट एसेट ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज ट्रांसपेरेंसी। अच्छा एक और चीज, ये निर्मला तई तब गई कहाँ पता है? जस्ट वहां वो ट्रेन में बैठी थी ना, ट्रेन में बैठ के गई कहाँ ये नहीं पूछा तुम लोगों ने। कोई मंदिर शी वंदिर गई होंगी? वेंट टू माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ओ केडीएमसी, कल्याण तक गई ट्रेन में। वो क्यों लेकिन? वहां पे बिट्स का मैनेजमेंट कैंपस खुल रहा है कल्याण में। भाई कल्याण में कुछ नहीं, मतलब कल्याण में कोई कैंपस वैम्पस नहीं खुलता है, मतलब कौन सा कैंपस है बिट्स? क्यों वहां कल्याण बिट्स पिलानी कल्याण कैंपस? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये लॉजिक नहीं समझा, तुम बिट्स पिलानी क्यों बोल रहे हो उसको? अरे जस्ट वो तो कॉल इट वो हो बिट्स गया ना, कल्याण। अरे नहीं, इट इज लाइक मुंबई इंडियंस प्रिटोरिया या वॉट एवर इट इज, बट केपटाउन। नहीं, इट्स न्यूयॉर्क नॉनसेंस। न्यूयॉर्क मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क, बट इट्स वही है नॉनसेंस ना। तो वो। ये तेरे को पता है ना कि
साउथ में बहुत जो रैशनलिस्ट फैमिलीज होते हैं, तमिलनाडु केरला ये साइड में, तो वो लोग का फैमिली अगर इंस्पायर्ड है ना किसी से, तो रैशनलिस्ट ब्राह्मण नहीं समझ नेहरू से इंस्पायर्ड है, तो वो लोग बच्चे का नाम ऐसे नहीं रखेंगे जवाहरलाल नहीं रखेंगे, दे विल नेम द किड जवाहरलाल नेहरू या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। जवाहरलाल नेहरू तो तू उनके अय्यर। ना तो उनके नहीं, अय्यर वेयर नहीं होगा, जस्ट ही विल बी ही और शी विल बी जस्ट नेम्ड सरोजिनी नायडू जवाहरलाल नेहरू विद द सरनेम्स ऑफ द ओके पीपल दैट दे आर इंस्पायर्ड बाय। तो तू उनके नाम से नहीं कह सकते, तो उनका एक्सेंट होगा कंप्लीटली लाइक दे विल स्पीक लाइक अ पर्सन वुड हुज नेटिव लैंग्वेज इज नॉट हिंदी, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा ये जवाहरलाल नेहरू कुछ और क्यों साउंड कर रहा है। लॉन्ग तो ईयर्स अगो, उस सॉरी। तो बिट्स पिलानी, बिट्स पिलानी कल्याण इज लाइक दैट। वी मेड अ ड्रिफ्ट विद ये तो डेस्टिनी दिस इज लाइक सद्गुरु डूइंग ट्रिब्यूट। ये अगर एआई को बोलू ना, सद्गुरु गिविंग इंडिपेंडेंस डे स्पीच। डेस्टिनी वॉज नॉट अ सर व्हाट इज स्ट्रिपर। डेस्टिनी, वी आर ऑल डेस्टिनीज चिल्ड्रन, भाई डोंट यू थिंक? सदगुरु जेनिफर लोपेज वगैरह के साथ एक वीडियो में आ गया है, हाँ देखा कि नहीं तुम लोग ने? उसका हॉलीवुड डेब्यू होने वाला है। सद्गुरु किसी मूवी में आ जाएगा, स्पेस जैम टाइप आ सॉन्ग जैसा आ गया भाई, क्रेडिट्स में नाम सच का है, क्रेडिट्स में भाई नाम है एंजल ना। बना सद्गुरु, एंजल एक मूवी में, एंजल एंजल मैनकाइंड एंजल बना एंजल जस्ट लाइक एन एंजल। अच्छा ये लोगों को ये मैन। रेफरेंस नहीं समझ में आएगा एंजल गाने का, हाँ प्लीज, फरिश्ता इफ यू डोंट नो फरिश्ता। दिस देन प्लीज गूगल ताहिर शाह एंड थैंक अस लेटर। आई डोंट थिंक कि अपने सुनने वालों को पता होगा, अरे अपने सुनने वालों को हाँ ये नहीं पक्का नहीं पता अरे होगा। बहुत, अरे बहुत बच्चे भी हैं उनको नहीं पता। यार पर मैं मैं ये यही कहना कह रहा चाहता था कि कि एक तो हम लोगों को ना मतलब एवरेज पाकिस्तानी सेटल्ड अब्रॉड से ज्यादा पाकिस्तानी रेफरेंसेस हम लोगों को पता होता है, उसमें शर्म आनी चाहिए या प्राउड फील करना चाहिए मुझे नहीं पता। भी अपनी बात अलग है रे, अपन मैंने क्या देखा, लोग इंडियंस भी, तेरे को पता है हाँ इंडियंस भी बहुत चिल लाइफ जीते हैं पता है, जहाँ पे आई डोंट रियली नो कि वो शाम को घर आके क्या करते हैं, आई डोंट रियली नो, बट वो कुछ तो करते हैं इंडियन जिनकी वो सब अमेरिकन्स चीजें का दूर लाइफ रहते हैं। तो बहुत चिल है, इंडियंस इन ये बात इंडिया है, भी बहुत चिल है। अर्बन इंडियंस। हाँ हाँ अर्बन इंडियंस, आई डोंट नो व्हाट दे डू इन द इवनिंग्स ऑनेस्टली, लाइक हमें बताइए, चिट्ठी लिखिए हमें बताइए कि आप लोग क्या करते हैं शाम को, फिर ट्रैफिक में हमारे लोकल ट्रेन, ट्रैफिक में लोकल ट्रेन में मैं तेरे को बोलता हूँ, ट्रैफिक में कोई फंसा है तो कुछ सुन और देख तो सकता ही है गाड़ी में। लोकल में कंडीशन ऐसे रहता है ठीक है, कोई किसी के आर्मपिट के नीचे, वहां फोन है, फोन में अंकल लोग देख रहे हैं ऐसा गदर एक प्रेम कथा टाइप मूवी, हाँ वहां हाँ पे हाँ ट्रेन में चल रहा है, वो भी टेलीग्राम से डाउनलोड किया हुआ, नॉट दैट कोई ऐसा 50 रुपया दे के नहीं तो ये खरीदता। सारी जो मूवीज हैं तेरी अटल हाँ बायोपिक और ये सब तो हाँ ट्रेन पर वो देखी ट्रेन में है। ही देखा जाता है, पचास मुझको लोगों के लगता है कि बीच। इन लोगों को दे कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड जस्ट शूट इट इन 720p ओनली, लाइक डोंट वेस्ट वो तूने वेस्टिंग टाइम आदित्य ऑन नहीं दैट। बोलता पिछले एपिसोड में कि नेटफ्लिक्स का एक स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जो सिर्फ फोन के लिए इंडिया में अवेलेबल है। एग्जैक्टली जैसे तूने बोला ना, ये 480p 720p मतलब फोन से ही शूट कर लो, अटल मूवी के लिए कैमरा का जरूरत ही नहीं है, रेडमी के फोन में ऐसा और वो डाल दो शॉर्ट ऑन रेडमी फोन। एक अंकल जोक मारूं, एक अंकल जोक मारूं, तो और अटल मूवी को रिवर्स से देखोगे ना तो इट्स अ बायोपिक ऑफ लता लता। मूवी, ये तो मैंने अटल अटल ब्रिज का जोक मारा था। ये तो मैंने बीजेपी राजस्थान के डीएम उसमें ग्रुप में डीएम किया है, अपन अभी भी है पता, अपन अभी किसी एक योगी आदित्यनाथ वाले में, अब तेरे को पता है ऐड कर आदित्य, दिया क्या हमको, हाँ अपन योगी आदित्यनाथ और व्हाई नॉट एक इलेक्शन के बैंक्रप्ट टाइम में फायदा उठाया जाए इसका। चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ बेटा मिनिस्टर और जल मंत्री और अपन और एक आदमी हाँ बाबू सोनकर, शाउट आउट टू बाबू सोनकर, अपन पांचों एक ग्रुप में है इस टाइम पे। तो व्हाई नॉट, मतलब बेस्ट आई होप दिस विल बी मोर एंटरटेनिंग देन वसुंधरा राजे फैन क्लब व्हिच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। यार, आई वसुंधरा थिंक इफ राजे दिस फैन इज क्लब में नहीं सेंटेंसेस के नहीं साथ मोदी जी को गाली दिया है विद स्लोगन, और वो लोग दे आर ओके, मतलब अरे दे वसुंधरा राजे फैन क्लब में 14 फरवरी को मैंने मोदी जी और जशोदा बेन का फोटो साथ में डाला और उनको नहीं चमका है, ऐसे लोग हैं भाई उनको उसके बाद भी उन्होंने हम लोग को उस ग्रुप से नहीं हटाया। दे आर अ पार्ट ऑफ वसुंधरा राजे फैन क्लब, तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा भाई है? पढ़ते इवन उड़ते नहीं वसुंधरा कुछ भी राजे नहीं, इज द दिखता नहीं है फैनेस्ट, उनको वहां पे, सिर्फ हर कोई आके अपना चीज पोस्ट करके चला जाता है, वहां कोई मतलब कुछ आई देखता आई हैव अ नहीं। फीलिंग इवन वसुंधरा राजे विल लाफ एट अस, लाफ विद अस एट देम। हाँ यार पर ये ऑफ बाबू कोर्स सोनकर वाले में मेरे को थोड़ा एंड सा सिंपैथी होता है, क्योंकि ना वो एक्चुअली उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको लग रहा है कि उसने
अपन को यूजुअली वो लोग पीपल थिंक वी आर बात बीजेपी का ट्विटर हैंडल, उसको ना कुछ कुछ प्रॉब्लम, तो उसने उस वजह से अपन को ऐड कर रखा उसमें एंड अपन ऐसा बोल सकते कि 1 करोड़ में हैंडल खरीद लो यार। नहीं, मैं तो अभी बहुत लंबा प्लान सोच ले, तो मेरा ट्विटर अकाउंट वो हो गया, तेरे को पता है मुझे ऐसा वो आ गया मैसेज कि वेरिफिकेशन। नहीं, कि भाई मैं ऐसी एक्टिविटीज में हूँ जिसकी वजह से मतलब मुझ पे नजर बैन ऐसा हो कुछ तो भी, सकता हाँ, शैडो बैन या कुछ तो भी ऐसा। है। ओके तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो मेरे लिए असाइलम्स के लिए मैं वो यूज कर सकता हूँ, ओ यार तू करा ले यार, फिर मेरे को गोद ले ले। मैं सोच रहा हूँ, मतलब समझ रहे, थोड़ा और करना पड़ेगा, थोड़ा और उंगली करनी पड़ेगी भाई। एक बात बता, बहुत ही एक रैंडम चीज बोलूंगा आदित्य, मैं ये बाबू सुनकर, अच्छा ये इंपोर्ट के बाद बोलूंगा, मैं बाद बोलूंगा, मैं दिस इज नॉट फॉर, ये दिस इज बाबू सोनकर को हेल्प करना चाहता है तो। यार बाबू सुनकर को कुछ बेचारा वो है यार, वो मतलब देख कितना भी लिबरल हूं ना यार दिल से मैं, वो बेचारा कुछ हाँ नौकरी वोकरी का सीन है यार, तो थोड़ा बुरा लगता है मुझे, और उसने अपन को ऐड कर रखा है योगी जी के साथ। वो है ना, अभी वो जो रविश बोलता है कि नौकरी नहीं मिलता है तो आना तो जेन्युइन न्यूज़ चैनल के पास ही है, जर्नलिस्ट के नहीं वो पास ही तो जाना नहीं, पड़ता अपने है। जेन्युइन नहीं, हम लोग उसको नहीं लग रहा अपन है, उसको बीजेपी लग रहा है है हम बीजेपी बट हैं। मैं हाँ, बोल रहा हूँ एम्पथी तो बट विच इज होता है स्टिल ना। रॉन्ग ऑन हिज पार्ट ना, ही इज स्टिल थिंकिंग कि कोई बीजेपी वाला एक्चुअली कंसर्न होगा। आई डोंट नो, बेचारे सोचते तो होंगे रे बेचारे, क्या ही बोलोगे इनको यार तुम, अब बहुत मतलब लोग वो होगा जो सोच रहा सोचते होगा। होंगे, बट आई एम सेइंग कि हाँ आई एम ये मिल श्योर गया ना मुझे, कि मान मैं यार मतलब अब मुझे बुरा लग रहा है यार, मैं पढ़ूं क्या इसका मैसेज। नहीं, समझ गया भाव तो, समझ गया मैं। मतलब हाँ वही है ना, मतलब कि माननीय से स्टार्ट किया तो थोड़ा फिर तो सा, मतलब रविश कुमार वाला फील आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुनी लो, मैं आनंद सोनकर बीटीसी प्रथम ईयर का छात्र हूँ, मेरा एडमिशन जनवरी में 24 तारीख को हुआ है, बीटीसी के अधिकारी के वेबसाइट पर जो सूचना प्रेषित की गई थी, दाखिला तो हो गया परंतु छात्रवृत्ति पोर्टल में छात्रवृत्ति की अंतिम तारीख 15 जनवरी थी, उसको बेचारे को स्कॉलरशिप चाहिए रे पढ़ने के लिए। अरे दिस इज द यार प्रॉब्लम ना। मतलब ये लोग जो हैं, मतलब अपन को नॉट क्यों डाल बाबू रखा है, सोनकर, भक्त पूरा दो नो, बट मूड इज ही मेरा रियली ना अ खराब भक्त कर। दो? आई डोंट, इज ही जस्ट आस्किंग फॉर हेल्प बाय टैगिंग देम, और इज ही जनरली अ भक्त? इट कुड बी ईदर, राइट? हाँ तो वही मैं सोच रहा हूँ। डेस्परेशन में तुम क्या, मतलब तुम यू डोंट हैव टू बी अ, मतलब तू जेन्युइन भक्त नहीं, नहीं भी होगा, बट यू आर इट हेल्पलेस। विल तो डेफिनेटली चेंज माय व्यू ऑफ दिस गाय देन, आई इफ मीन यू पुट आई इट डोंट, दैट वे। नो इफ ही इज अ भक्त, बिकॉज इन हिज प्रोफाइल द ओनली थिंग ही इज ट्वीटिंग अबाउट इज नहीं, मैं बोल दिस, रहा हूँ ना, हेल्पलेसनेस में तू ये भक्त है या हेल्पलेस है नहीं। बेचारा बंदा, वो स्कॉलरशिप के लिए ट्वीट कर रहा है जो जो उसको। चीज मैं तेरे को पिछले एपिसोड में भी हम लोग जब बात कर रहे थे, जो वोट बेस का, ये लॉट ऑफ पीपल वोट टू द बीजेपी बिकॉज दे सी नो अल्टरनेटिव, बिकॉज दिस पीपल हैव फेड अ नैरेटिव दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव, राइट? वो एंगर एज एन अल्टरनेटिव कोई देखता नहीं, उनको लगता है कि इनको देने से शायद इन्हीं को असुएज करने से कुछ काम निकल आ जाएगा। एंड दीज पीपल आर लाइक सच प्योर इविल, एंड यू डो नॉट नो हाउ वॉट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज दैट। मतलब राम मंदिर के लिए हर कोई वोट कर रहा है नहीं बोल सकते हैं। मतलब उनको लगता है इन्हीं से बेस्ट चांस है वो चीज कराने का, बिकॉज द प्रोपोगेंडा दैट दे हैव बीन फेड, व्हिच इज वेयर दीज न्यूज चैनल्स हैव अ रोल ना। मतलब इवेंचुअली लोग जो बोलते हैं कि टीवी इज डेड मैन, वो सब वो तेरा अमित वर्मा के बोलने के लिए ठीक है, ठीक है, टीवी इज डेड मीडियम, ऐसे इट इज नॉट डेड बिकॉज दैट टीवी इज फीडिंग जो कैजुअल। यार सीधी बात है, मतलब मैक्सिमम लोग इवन अगर घर आके कुछ भी देख रहा है उसमें उसको वो सब दिख रहा है तो वो अफेक्ट होगा उसका, टीवी और इंटरनेट में मतलब इट्स ना नॉट एक लाइक मेजर कि डिफरेंस है हाँ कि इंटरनेट इज यू पैसिव कैन चूज कंजम्पशन जो है ना इजीली। टीवी हाँ का, एग्जैक्टली न्यूज चैनल चला दिया और पैसिवली एक न्यूज का आइटम आया, अगर वो जेन्युइनली चल रहा है तो यू आर कंज्यूमिंग अ पीस ऑफ न्यूज वेयर डिसेंट कैन बी फ्यूल्ड दैट वे। इंटरनेट पे बायसेस आर फेड, तो टीवी चैनल्स का एक सेम्बलेंस ऑफ बैलेंस होना इसलिए जरूरी था। मतलब लॉट ऑफ दीज पीपल लाइक हु डू नॉट हैव जॉब्स, जिनका एग्जाम का रिजल्ट्स अटका हुआ यार, है। इससे इससे बेटर तो कम से कम ना, अब ना बुरा लगता है क्योंकि ना लाइक टेक्निकली वी आर लाइक दिस आयरोनिकल, लाइक वी आर आयरोनिकल राइट, लाइक वी एंड तो ना मुझे आई आई लाइक जस्ट टू इक्वल, श्रीकांत बारबाइंगेकर ने मुझे मैसेज किया है, एमसी मतलब एमसी मुल्ला, विच इज फाइन, आई रिस्पेक्ट दैट कि भाई चल तू भी लाइक इक्वल। अब ये बाबू सोनकर टाइप के लोगों के लिए बुरा ही लगता है, क्या करूं यार, बंगालीज कम वम के मैसेज आते रहते हैं मुझे, विच इज लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एक्चुअली, पर ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम है। बट गोइंग गोइंग बैक टू स्टेट स्टेट बैंक बोलो,
सुप्रीम कोर्ट ने एक ढंग का काम किया, उसने बोला कि भाई बता करो कि ये क्या किस किस लेकिन का। लेकिन कब कब कुछ वो तो डिपेंड करता है ना। स्टेट बैंक ने उनके साथ वो कर दिया कि लंच के बाद आना, हाँ, जबकि तुम लोग को भी पता है कि उनको बस वो एक क्वेरी रन करनी है उनको बस। और ये वो देश है जो बोल रहा है डिजिटल हो चुका है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंट है क्योंकि वो डिजिटली खरीदा जाता है। भाई यूपीआई में नहीं हो सकता क्या? यूपीआई में पे किया होगा किसी ने, क्यों नहीं हो सकता है। यही कंट्री के लोग डिफेंड भी कर रहे हैं यार, 45,000 एंट्रीज हैं मैन्युअली, एक अंकल बाबू को बैठ के वहां पे क्यूरेट करना पड़ेगा। वो भी ऐसा मेरे दिमाग में SBI कागज मतलब डॉक्यूमेंट में लगा होता है, वो चपाती और आलू का सब्जी जिसमें सब तेल लगा हुआ है हाथ में और उसके साथ में दाग दाग लगे, वो मेरे दिमाग। लगे। हाँ मेरे को आदित्य, इट्स टाइम टू टाइम फॉर डू सिने मैजिक। इट्स टाइम फॉर सिने मैजिक। हाँ वही चलो शॉर्ट शॉर्ट नहीं चलो चलेगा क्या? शॉर्ट चलेगा चलेगा। ना, जरूरी है वो, रविंद्र जैन को देखना है अपन को। अरे कहाँ, चैट में भेजा। अच्छा वो तो ट्वीट भेजा है तूने। अब उसके नहीं, ऊपर उसके देखना, दो पहले, चैट उसके हैं। पहले चैटें अच्छा उसके पहले भी कुछ भेजा। चैटें नामुमकिन है। बट दिस डॉन हैज बीन कॉट बाय फोर लिटिल ग्रैंड चिल्ड्रन हु हैव रैप्ड हिम अराउंड देयर लिटिल फिंगर्स। मुकेश चलो ना, वी आर पॉज गेटिंग कर एक मिनट, लेट। वे हैव रैप्ड हिम अराउंड हिज लिटिल वो सर फिंगर। छोड़, मुकेश जी तू इतने तू छोटे भी तू नहीं है। तू थोड़ा पीछे कर और तू मुकेश अंबानी का एक्सप्रेशन देख, वो दांत भी निकला हुआ रविंद्र जैन की इट्स थ्रोट अवर में लिटिल यार। एस। और पीछे कर। हाँ इसको पीछे कर नहीं सकते हैं क्या? नहीं कर सकते क्या? संगीत नहीं हो रहा है यार, फोन पे तो हो जाता, फोन पे तो हो यस जाता। बॉस, हमारी अच्छा इसमें भी थोड़ा सा मिसोजिनी है बाय द वे यार। जिंदगी में ये वो अंकल जो कि यस बॉस, हाँ, अंकल जो यही कि हमारे पास जितने पैसा हो पावर हो मतलब चला दी तो वो नीता ही लेकिन है। चलाती तो नहीं। और ये बहुत अंकलों ने अगले दिन ट्रेन में देखा, आप लोगों ने वीडियो खुश अंकलों ने आज। मुकेश अंबानी के अंदर खुद को देखा। हाँ और अंकलों ने बोला का बंदा मुकेश अंबानी हो या कमलजीत, सुन रहा था सेलिब्रिटीज, उसने। दे आर जस्ट लाइक हाँ अस तो देखना, बस। जिसने जिसने ये शेयर किया है, डॉक्टर डॉक्टर भावदीप अरे उसके नीचे डॉक्टर भावदीप ने खुद लिखा है ओनली वन ओनली वन डॉन, डॉन। ओनली वन अच्छा डॉन। हाँ वही बोल रहा हूँ कि यही दिस इज गोइंग टू मुश्किल ही ऑल्सो नहीं, ये देख देख नामुमकिन है। रविंद जैन, रविंद जैन। यस यू आर राइट, यू आर बट दिस एब्सोल्युटली डॉन राइट। हैज बीन अभी कॉट देखना फिर से ये देख ये देख ये देख। नहीं हैज तो फोर देखना लिटिल सर, ग्रैंड चिल्ड्रन उसमें वो हु हैव टॉय है रैप्ड या हिम अराउंड देयर लिटिल फिर फिंगर्स। मुकेश चलो ना। यहाँ पे भी टॉय ही यूज किया है ये किंग। देख तू हाँ चेहरा वही देख वही इस वही आदमी वही का वही यूज किया यार। है वो अच्छा बहुत हाफ हार्टेडली कर रहा है। यार इलॉन मस्क है या जेफ बेजोस है, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने न्यूट्रिशनिस्ट और जिम उसको हायर करके एग्जैक्टली, थोड़ा लाइक मेहनत बाल किया। लगवा के सब कुछ किया। जेफ बेजोस ने, चल उसने बाल नहीं किए पर उसने बॉडी बनाई। हमारे वाले क्यों नहीं करते? अडानी को भी देख क्यों नहीं? बट नेचुरल है मुकेश भाई, आई हैव रिस्पेक्ट ओके टू बी द डेविल्स एडवोकेट। वी आर गेटिंग लेट। इस एपिसोड में जो चीजें बोली गई है ना आज यस तो बॉस, हमारी जिंदगी में असली डॉट यहाँ से SBI का एड भी बन सकता है, पता है कौन सा? एक ही हमारी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस ये भी हो सकता सुनना, मतलब ये अजीब सा देश है, तूने जो इलॉन मस्क के बारे में बोला, हमारा देश इतना ग्रेट है ना कि अभी अगर मुकेश अंबानी के बारे में तूने जो बोला, मेरा वाला डेविल्स एडवोकेट वाला कार्ड भी प्ले हो जाएगा कि ही इज द रिलेटेबल बिलियनर। ठीक है भाई, कल को एक रिलेटेबल नया बिलियनेयर बिलियनर, ठीक है तो अभी कल को अगर तेरा वो जो एपिसोड तूने क्या बोला टाइटल मिल गया है दोस्तों। विशाल शेखर, क्या बोला तूने, वो जो दूसरा अरे बंदा वो पेटीएम शेखर वाला शेखर शशा जो भी जो, पुण्य जो भी है हाँ अपनी तो अगर जैसे वो तैसे। कल को वो इलोन मस्क जैसा फिजिक बना के आ गया तो उसके बारे में ये बोला जाएगा, सी द न्यू जेनरेशन इंडियन बिलियनेयर भाई वो फिट तो मुझे एंड मेरे रेयरिंग टू गो मेरे मेरे लाइक आवर। कॉलेज के चार सीनियर्स कम से कम मैं सोच बिल्कुल इसके जैसे हैं, और वो चारों के चारों सीनियर वो ऐसी बातें करते हैं कि यार देखो बड़ा जावा सीख लो बस, बाकी सब तो हो जाएगा, वैसे वाली बातें करना। चार अलग अलग सीनियर है, दुर्गंध आती थी जिनसे, बट एनी वे। हाँ यहाँ पे कोई सीटी भी बजा रहेगा क्राउड में, नोट करें। उन्होंने ये रिकॉर्ड किया हाँ एंड देन दे दे थॉट इट इज वाइज टू पुट इट आउट इन पब्लिक डोमेन। मैं कह रहा हूं ना या पैसा है मुझे पर तो ये लग नहीं बिल्कुल मुझे तो ये लगता है कि ये
उन्होंने नहीं डाला वहां पे, कोई तो है ऑडियंस में जो क्रिंज कर रहा है देख के, उसने सोचा ये तुरंत अभी के अभी वीडियो खींचता हूँ और पब्लिक में डालता हूँ। कोई तो होगा ना यार उस पूरे क्राउड में, तेरे को लगता है कि सैफ अली खान कोई भी है नहीं, फॉर बहुत एग्जांपल, लोग होंगे, बहुत सैफ लोग अली खान होंगे नहीं यार, बोलता होगा कि यार तू बहुत लोग मुझे अगर होंगे। पैसे दे के बुलाएगा, तू तू ये सोच यार, तू मुझे जसप्रीत दे के बुमराह अगर पैसे, गया है, तेरे को लगता है जसप्रीत बुमराह डजंट कम अक्रॉस एज अ पर्सन हुड बट एंजॉय ही दिस वुड सॉर्ट लाइक, ऑफ ही वुड क्रिंज? नॉट इवन लाइक, बट ही इज लाइक वन ऑफ दोज गाइस लाइक, ही वुड नॉट हाँ इवन गिव अ वो फक, ही वुड लाइक फक, करने हाँ दो इनको जो खाना करना है, अच्छा है, मैं मतलब स्टार्टर अच्छा है, खा लेता हूँ निकल जाता हूँ, मतलब जो हम लोग शादियों में करते हैं हाँ टिपिकली। बेसिकली के बारे में बिल्कुल देखना ही नहीं है मेरे को, देखना ही नहीं। तू कौन से कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, मेरे को बस्तर का ट्रेजर देखना था यार। टीना पानी के लिए बुरा लगता है कभी बट आई कभी। अच्छा आई लाइक द टीना लुक मैम, ओके, टीना मैम, प्ले टीना मैम, प्लेइंग द टीना डेविल्स मैम। एडवोकेट अगेन, आई थिंक अनिल अंबानी माइट बी दी बेस्ट ड्रेस्ट इन दिस फंक्शन। बाकी आई अनिल रिलेट, अंबानी के आई जो, हार्ड रिलेट, दिस अनिल इज हाउ अंबानी आई के वुड जो गो। दोनों जो बेटे हैं उनका लुक पता है कैसा है? वो जो मतलब पैसा है इनके पास, पर हाँ वो दिल्ली वाला पैसा, बट जाट जाट ब्रो, जाट बट जोड़ हार्दिक ब्रो। हार्दिक पांड्या ने उनको बोला है कि ये पहनना हाँ आज। हाँ चल तू मरा भाई, आई इतने थिंक बड़े अनिल बड़े इज द लोगों को बेस्ट बुलाया ड्रेस्ड इन तू द फैमिली पीछे भाई, उससे बेटर तो जयपुर की शादियों में देखा है मैंने, वो जो मतलब यार जहाँ पे ये। एंट्री पे फोटो वोटो खींचते हैं तो। बट ये वैसा है ना, दे आर कीपिंग इट रूटेड यार, तो क्यों कोई उनको और ये आके बोला शादी नहीं होगा है गाइस, ये कुछ आई और ही प्री है यार। वेडिंग? आई नो भाई, प्री लेकिन है भी प्री तो अंबानी का ना, तो वो शादी लगा भाई, एंटीला में होगा आई फील बस्तर का ट्रेलर लगा, एंटीला में लाइट जल बस्तर। रही थी, किसने एंटीला की फोटो ली और बोला कि हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, तो किसने लिखा पैरासाइट चल रहा है। लगाओ रुक यार जा, जल्दी। बस्तर का ट्रेलर मैंने भी हाँ नहीं देखा है तो मतलब मैं ये ओके बोल देता हूँ, तुम लोग के लिए बचा के रखा था, स्वीट डिश डेजर्ट बस, TAR भाई मेरे, बास्टर्ड बस्तर ट्रेलर का ट्रेलर विच विल बी भाई, फाइन वही दिखा रहा फ्रॉम द मेकर्स। ये तो देख लो, केरला स्टोरी फार फ्रॉम होम। है। इंडियन माओइस्ट, ISIS और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। इसमें भी छोड़ा मतलब बस्तर पर, लेकिन कंपेयर बोको करने हरम के लिए फिर बोलना भी है वही चाहिए, उसके ISI मेरा और वो चलेगा नहीं। सब चाहिए। मेरे हमारे पॉडकास्ट सुनने वालों को मेरा बस एक ही रिकमेंडेशन है कि प्लीज गूगल वॉकिंग विद द कॉमरेड्स फ्रॉम अरुंधति रॉय एंड रीड दैट एसे, एटलीस्ट डू दैट, प्लीज डू दैट, आई बेग ऑफ यू डू दैट इफ यू वॉच दिस ट्रेलर, चला दे। बस्तर का रेड एक्शन दिल्ली को हिला के रख दिया है। छी को वगैरह ये छी छी नहीं, ये नहीं, छी। अभी आएगा, अभी अच्छा आएगा ये छी तो को इन सब वगैरह मूवीज भी में, जैसे सुन। इन सब मूवीज में हो क्या रहा है कि दे ऑब्वियसली एक कोट अनकोट हैप्पी एंडिंग टाइप का, तो मतलब इन लाइक इन सावरकर दे ग्लोरीफाई कि भाई हाँ उसी ने किया, बट व्हाट इज द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट में अभी भी तुम हिंदू खतरे में ही हो, हिंदू तो हमेशा ही खतरे में रहेगा। तो मतलब दैट इज द होल थिंग राइट, कि तो तुम मतलब ये तुम्हें देखना भी है बट खतरे में भी रहना है, और मतलब क्या गूई हो यार तुम खतरे तो। में हिंदू है, चला दे आगे। इसमें मतलब इन लोगों के इसमें सटलिटी नाम का चीज ही नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको दिखा दिया और तुम गेस कर लो पीछे कॉमरेड्स, नहीं लाल पीछे सलाम लिखा हुआ लाल है, सलाम लाल लिखना सलाम हुआ लिखा हुआ, जरूरी है। यस मतलब तू समझ रहे बस्तर ऐसी बात करते हैं कुत्ते कॉमरेड मारे लोग। हमने, भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों को देता है। वो केरला स्टोरी का एक्सेंट अभी भी मैडम चल रहा है इसका, भगवान अपनी सबसे कैरेक्टर कठिन लड़ाई अपने सबसे से निकली नहीं शाली है। शक्ति शक्तिशाली। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? आप व्हाट ऑनरेबल होम मिनिस्टर, 76 CRPF हु इज द होम जवान्स मिनिस्टर? शुड गेट पीजी सेवेंटी दमरम सिक्स क्रोर्स ओ उस टाइम पीजी मैं दमरम कोई चार सोचा अचानक से पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। फ्रॉम द ब्रेव स्टोरी टेलर्स ऑफ केरल स्टोरी, केरल। खुद ही वही ना, जैसे भारत स्वतंत्र वीर सरकार का अपने नाम तिरंगा के आगे खुद ही फहराने का लगा साहस दो। कैसे हुआ? दिल्ली के लाल किला पर लाल झंडा फहराने के लिए, भारत देश पर माओइस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए खून के नदिया तो बहेंगी। ये तो पूरा ये तो मतलब ये तो छीगो पूरी वेरा, छीगो वेरा। ये लिटरली ऐसे
वो जो कौन सा वो जो एआई है जो बोल रहा था 83 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई व्हाटएवर, उससे बोलता है वो कि ड्रॉ कृत्रिम नीचे को मेरा। हाँ वही। बनाओ शेक वगैरह बनाओ हमसे। एक नया इंटरनेशनल फोरम बन रहा है। मतलब ये पी चिदम्बरम ने ये चीज बोला था ना मोदी के बारे में कि यू कैन पुट हिज पोस्टल नॉलेज ऑफ स्टैम्प। इकोनॉमिक्स बिहाइंड द पोस्टल स्टैम्प। इनका दुनिया का नॉलेज पोस्टल स्टैम्प के पीछे ऐसा। प्रिसाइसली। मतलब लेफ्टिस्ट मतलब क्या, कीवर्ड्स दो, शेगुएरा, लाल सलाम, बस कॉमरेड वर्ड, बस बना दो। थोड़ा सा इस्लाम वो भी डालना है ना, थोड़ा लेकिन वो तो सब में डालना है, इसीलिए नमक सेकंड नमक इसके एक जो लिए प्रॉम्प्ट लगता है, मेक इट स्लाइटली इस्लामोफोबिक, मेक इट स्लाइटली मोर इस्लामोफोबिक। और सेकंड स्टैम्प में लगा देंगे एक्स्ट्रा जो भी चाहिए, आधा यूज कर लेंगे वो भी। इंडिया की नई ताकत को रोकना जरूरी है, और इंडिया के खिलाफ हमसे इफेक्टिव पार्टनर और कौन होगा? इज अर्बन नक्सल। 600 करोड़। मैंने अपना पति के साथ साथ अपना बेटा भी खोया है। हर घर से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया उन्होंने। मना कर देते ना सबको मार देते। पूरा इकोसिस्टम आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन नक्सलियों को छोड़ूंगी नहीं इस बार। नीरजा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां कांप जाए। 100 years of communism and 100 million dead. वॉल स्ट्रीट जर्नल है तूने? हाँ। प्रिंट एडिशन वो भी। मेरा मन ये करता है ना, पूरे बस्तर में से आप कोई भी गांव सेलेक्ट करिए और अब ये चलिए क्या, मेरे साथ ये जितने भी बिना प्रोड्यूस करेंगे सब सिक्योरिटी में के, स्टोरी स्टोरी लगाएंगे, और देखते जैसे हैं वो फाइल्स वहां से लगाता है। जिंदा वापस कौन लौटता है, उनको लग रहा है आप कि या ये मैं? वो मतलब गांव गवर्नमेंट वाले रिलीजी डिसाइड बना रहे करेंगे अपनी। निर्दोष कौन है और गुनहगार कौन है। ये मतलब लिटरली लाइक मैं कोई कांग्रेस से सपोर्ट नहीं करता आज दम। आज आज की डेट में। लिटरली लाइक आई आई विल प्रोबली वोट फॉर देम इफ आई हैड टू, जय बट हिंद। 2009 में ऑपरेशन ग्रीन हंट कांग्रेस ने शुरू किया। लाइक लिटरली लाइक माई पोलिटिकल अवेकनिंग हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम वेन आई वॉज लाइक सुप्रीमली अगेंस्ट कांग्रेस द वे दे डिड एवरी थिंग इन छत्तीसगढ़। एंड दिस मूवी ट्रेलर इज शोइंग कि वो दे वर सो ब्रूटल, लाइक लिटरली दे वर सो ब्रूटल इन छत्तीसगढ़ भाई। रीड अप ऑन सालवा जुड़ूम। लाइक कभी कभी मेरा मन पता है क्या करता है कि मैं लिटरली वॉकिंग विद द कॉमरेड में से रीड करूँ पॉडकास्ट में और लाइक पब्लिक को सुनाऊं। मतलब क्या ही बोलूँ यार, मतलब इतना ज्यादा लाइक साला मेरे जैसा। मैंने मतलब क्या वो, मैं इंजीनियरिंग के टाइम पे जब मेरा लिटरली पॉलिटिकल आइडेंटिटी डेवलप हुआ, वो पूरा आइडेंटिटी डेवलप हुआ इस बात पे कि दिस गवर्नमेंट विच वॉज कांग्रेस गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट इज सो लाइक एंटी ह्यूमन राइट्स। और अभी की डेट में मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये क्या कर रहा है, मतलब मतलब दे डोंट इवन नो कि यू आर एक्चुअली ग्लोरिफाइंग व्हाट व्हाट कांग्रेस डिड राइट। या एंड बट दे आर शोइंग इट एज इफ दे वर लाइक हाँ नॉट डूइंग इनफ, बट द पॉइंट इज दैट दे वर डूइंग, दे वर बीइंग सो ब्रूटल एट दैट पॉइंट। यार, हाँ एक घूम फिर के वही बात आ जाती है ना कि द मोमेंट यू डिसाइड टू साइड विद द पावरफुल, बस बात खत्म ना, बात मतलब सही वही, है मतलब वो। उसके अगर वही तुम्हारा तो फिर काहे की बीच की बात और काहे का मतलब अग्री टू डिसएग्री, फिर कुछ बचता ही नहीं ना। होगा रे तू गोगा। चल भाई जहां पे पावर है मुकेश भाई तक, जिसके साथ क्या इमोशनल अटैचमेंट होना जरूरी है। नहीं, भाई मेकिंग मुके फन हाँ ऑफ द रिच वॉज काइंड ऑफ अ थिंग इन इंडिया, राइट? लाइक विच इज वाई हाँ सुधा मूर्ति हैज टू, सुधा मूर्ति अभी भी वो इंडिया में जी रही है जहां पे लोग रईस होने के लिए लोग मजाक उड़ा करते थे। अभी वो बोल रही है मैं साड़ी नहीं खरीद। सुधा मूर्ति इज नाउ कंफ्यूज्ड क्या करना चाहिए। नहीं, सुधा मूर्ति के डीएनए में ही नहीं है वो ब्राह्मण है, वो नहीं कर सकते। ये जो चीजें मारवाड़ी और गुज्जू कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, उनके लिए छोड़ दो। तू टाटास को देख, टाटास के पास कम पैसा था क्या? पर तूने कभी देखा है इन लोगों, देख तू टाटास को देख या गोदरेज को देख, गोदरेज लाइक आदि अरे गोदरेज यूज टू फ्लॉन्ट इज वेल्थ बाय पार्टीज हैविंग दोस बिग पार्टीज। तो करेंगे ना यार इतना। करो लेकिन नहीं, पार्टी में ऐसा पार्टीज इन द मत सेंस लाइक करो। वेरी तो पेज 3 डॉक्यूमेंटेड लिटरली पार्टीज, तेरे इससे लाइक पहले इमरान उसकी जो खान आ रहा बेटी, है जो उसके बेटी घर का पे नाम क्या है पार्टी के इनकी, लिए, इनकी इनकी इवांका का नाम क्या है भूल जो जाओ, भी। हाँ समझ गया किसी श्लोका बात कर रहा हूँ। मेहता, श्लोका तो श्लोका बड़ी बहू है, श्लोका बड़ी वो बहू बड़ी है। बहू है। बहन का नाम क्या है रे, अनंत और आकाश की, जो भी ठीक है इवांका ठीक है, ट्रंप, डजेंट मैटर। इवांका अंबानी जो है उसकी हाँ। शादी में उन्होंने वो किया ना, जी यू जे यू। अच्छा वो हाँ, वो उसकी किया शादी में, वो था। ये वाला नहीं है नहीं, वो वो। पिछली शादी का है। ओ। ऐसे लोग हैं ये लोग। बाय द वे उसके हस्बैंड को देखने को बोलूंगा मैं आप लोगों को, आप लोग देखिए। उसका हस्बैंड इज बेसिकली अजय देवगन फ्रॉम मल्टीवर्स,
विथ अ लॉट ऑफ गुटका इन हिज माउथ। वो कोई रिलेटेड है ना अडानी से, क्यों आई एम आई मिक्सिंग अप थिंग्स, देर इज समवन हु इज अ ब्रिज बिटवीन द टू परिवार्स, कोई कोई जानकार व्यक्ति बता सकता है ये हमें डिस्कॉर्ड बीवी सर्वर। अडानी के बड़े बेटे की भी शादी हो गई है, आई डोंट नो कि अडानी परिवार और अंबानी परिवार के बीच में क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला जाए, रिश्तेदारी में वो हुआ बदल है, दिया। वो हुआ है। तो कोई बताएगा हमें कहाँ से है वो लिंक, ठीक है द भाई, मिसिंग प्लीज लिंक। प्लीज बताना, क्योंकि मैं दैट एफर्ट, क्योंकि वो मुझे, आई नो दैट गाय, ही इज फ्रॉम द पिरामल्स, लाइक वो पिरामल वो एक तो ज्वेलर्स वो जो है, पिरामल वाला है, बट एक हाँ अंबानी वाला और अडानी का भी एक एक ही कनेक्शन बेटी है। है भाई इनकी, अनंत एक ही अंबानी का बेटी है। बेट वाइफ का भी हो सकता है रिलेशन, देर इज नहीं सम वो ऐसा लिंक है ऑल्सो, ना, या कुछ बेटी का लोग सम हाउ देर इज सम लिंक, एट दिस संबंधी। मोमेंट आई विल आस्क यू गाइस, सॉरी मैं थोड़ा गलत था कृत्रिम से पूछो बता देगा वो, नहीं भी है तो कि लगवा देगा लिंक। आई वांट यू गाइस टू गूगल आनंद पिरामल, हु इज पिरामल लाइफ द साइंसेस एंड पिरामल हेल्थ केयर का हस्बैंड प्राइमल ऑफ परिमल दैट त्रिपाठी। क्या नाम है उसकी बेटी का, जो भी आप नाम मेरे तो है, कुछ समझते ही नहीं। ईशा, ईशा अंबानी, ईशा अंबानी, ईशा अंबानी ओ के इवांका हस्बैंड को इवांका आप अंबानी। गूगल करें, प्लीज प्लीज गूगल करें, प्लीज गूगल करें। इस पे मैं क्या बोलना चाहे, मैं सहारा इस प्रणाम। यहाँ पे रैप अप करना चाहे, सहारा जी मैं मर थोड़ा गए। मैं नहीं मैं मैं थोड़ा मूड अच्छा कर देता हूँ। आई हैव अ कपल ऑफ बुक रिकमेंडेशंस, हाँ ये कर दे, तो बिल्कुल आप अपने भूल जाएं कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, और मतलब आप पढ़ें, मतलब मैंने अभी पढ़ी है रॉन्डेवू विद रामा, विच हैज नथिंग टू डू विद रामलला, बट जब से वो डेनिस वेलेन्यूवी ने जब से बोला है कि वो उसमें मूवी बनाएगा, तब से वो मेरी लिस्ट में, और बहुत ही अच्छी बुक है। और दूसरी चीज मुझे अभी रिसेंटली भी पता चली है जो मेरी लिस्ट में है, जो मैं होपफुली अगली तो नहीं पर पता नहीं, बट अपेरेंटली ब्लैक एडर इज आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बुक। क्या बात, तो एंड सो इज यस मिनिस्टर्स बाय द वे। हाँ, वो पढ़ना है, या अगर देखता हूँ ऑडिबल तो मिलता है तो फिर तो ब्लैक मैं बर्ड भी सुन रेकमेंड कर देता हूँ लूंगा। फिर कुछ, आई विल रेकमेंड, क्योंकि मैं इंटरनेशनल तो हुई, तो रफिया जकरिया की, शी इज अ पाकिस्तानी ऑथर, हर बुक इज द अपस्टेयर्स वाइफ एंड इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, शी इज फ्रॉम मुस्लिम फैमिली दैट माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1962 एंड इट्स अ स्टोरी, इट इज अ स्लो बर्न बट आई वुड रेकमेंड इट। अब आदित्य तुम भी कर दो कुछ, मजाक मजाक में, मैं आज बेमजाक। एक गेम रिकमेंड करने वाला हूँ। हाँ वही अच्छा तो, मैं मूड प्लैनेट, सुधार रहा था, ये फिर पहुंच गया हिस्ट्री ऑफ अरे मैंने पाकिस्तान। अच्छी तो बुक, इसमें क्या ये भी प्रॉब्लम सुधार, है। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं सुधार मैं देता हूँ फिर से। प्लैनेट ऑफ लाना, जस्ट फॉर द एटमोस्फियरिक्स, अगर कोई वीडियो गेम के शौकीन है तो प्लीज रहते और फिर बाकी तो हम लोग छी वगैरह लाते ही रहेंगे आपके पास। रहेंगे। जय श्री मार्क्स, चलो कर दे रैप। चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।